गौरी शंकर पुरी से जगन्नाथ पुरी आ चुका पुरी का रात ही आया पुलिस अरे क्या आ नहीं बाकी जो म्यूजिक की सब है ठीक है आप लोग सब बैठ जाओ प्रभु जी ये जो मृदंग वाले हैं ना वो कह रहे तार वहां तक नहीं पहुंच पाएगी दो बंदे यहाँ मृदंग वाले यहाँ आ जाना अभी जब ये हो जाएगा तब आ जाना हाँ ठीक है चैतन्य प्रभु नित्यानन्द प्रिय द्वैत
Thank you.
Thank you.
व्यास देव की बिताई गौर ब्रह्मांड हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप लोग जो चेयर में बैठे हैं ना, अगर थोड़ी सी पीछे पीछे कर देंगे तो अच्छा रहेगा, कुछ जगह खाली हो जाएगा, जो व्यक्ति आएंगे वो बैठ सकते हैं। ये चेयर को एकदम दीवार को में सटका दो, दीवार में चेयर को एकदम लगा कर रख लो, फिर जो लोग आएंगे वो बैठ सकते हैं एकदम चेयर को। हाँ उधर उधर सारे सारे चेयर को पीछे कर दो, आगे मत रखो, सब चेयर को पीछे कर दो। हाँ वहाँ वहाँ से वहाँ सामने कोई चेयर मत रखा करो प्रभु जी, ये चेयर को जो जो नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर में बैठे, उस चेयर को पीछे कर दो, जो बैठ बैठने वाले बैठ सके। हरे कृष्ण बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री व्यास पूर्णिमा की, बोले श्री सनातन गोस्वामी की, तिरुवाभ महामहोत्सव की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण बोले ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलंबित भुजौ कनिका बदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ दिगवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाई करी चरण बंदन जाहा हई ते विघ्ननाथ अभीष्ट पुराण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब एक बार हाथ ठाकरे बोले बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। और एक बार तीन बार बोलनी चाहिए या नवीन प्रभु है ना, क्या नवीन प्रभु इधर है, कहाँ गए, चले गए कहीं बाहर है। हरे कृष्ण बोले सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला
नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। अभी ऊपर किसको आने नहीं देना, थोड़ी देरी बाद में आने देना, ठीक है? जो आ जाए सब बैठ जाओ, जो आ करके बैठ जाओ सबके साथ, उसको ऊपर किसको आने नहीं देना अभी, ठीक है? हाँ देखो, आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि आज हम यहाँ सबके सब श्री व्यास पूजा को उपलक्ष्य करते हुए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यदि ये व्यास पूजा को हमारी परंपरा में जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप लीला कर रहे थे, जब श्री व्यास देव का जन्म तिथि आया, महाप्रभु ने कहा देखो श्रीवास पंडित, कल श्री व्यास पूजा है तुम्हारे घर में, कल हम व्यास पूजा करेंगे। तब श्रीवास पंडित और भक्त लोग बड़े प्रसन्न हो गए, बोले हमारे अहो भाग्य है, कल हम सबके साथ ये व्यास पूजा को हम लोग दर्शन करेंगे। बड़े खुश हो गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बोले श्रीवास तुम्हारे घर में होएगा, लगता है तुम्हारे ऊपर में बड़ा बोझ पड़ गया, क्योंकि तुम्हारे घर में अगर व्यास पूजा होएगा भक्तों लोगों के लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा पूजा के लिए। बोले प्रभु बोझ की क्या बात, ये तो बड़ा आनंद की बात है, आपका आशीर्वाद से घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, थोड़ी सी पूजा की सामग्री ले आएंगे, कल तक हमारे अहोभाग्य श्री व्यास पूजा हम सबके सब श्री व्यास पूजा करेंगे। बड़े प्रसन्न हो गए। और व्यास पूजा की जब समय आया, समय बीतते जा रहा था, इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोले नित्यानंद, ये व्यास पूजा के समय निकलते हुए जा रहा है, एक काम करो, ये माला तुम व्यास को गले में ये माला प्रदान करो, व्यास जी की पूजा करो। तब श्री नित्यानंद प्रभु और जो फूलों की माला को उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को गला में उन्होंने दे दिया। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। तब सब भक्त लोगों ने प्रसन्न होकर के महाप्रभु की जय जयकार किए। इसलिए कहते श्री व्यास पूजा जो आज है, कहते ये व्यास देव कौन है, आज हम सबके सब यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, व्यास देव के चरण में हम लोग क्यों ऋणी, ये पूजा के लिए हम क्यों उपस्थित हुए हैं, कहते ये व्यास देव है कौन, कहते ये व्यास देव कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बोले व्यास नारायण स्वयं, ये भगवान है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब जब इस जगत में अधर्म की प्रबलता बढ़ जाए, गो ब्राह्मण पृथ्वी संतों के ऊपर में अत्याचार होता है, तब तक मैं इस जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ और संतों को भक्तों को मैं पालन करता हूँ। जैसे भगवान युग युग में अवतीर्ण होते हैं, उसी तरह श्री व्यास देव भी इन्होंने द्वापर का अंतिम समय में भगवान स्वयं व्यास देव कौन है, बल्कि ये भगवान का ये सत्यावेश बता रहे। भगवान किसी किसी जीव को अंदर में अपना शक्तियों को प्रदान करके बड़ा बड़ा अद्भुत अद्भुत काम कराते हैं भगवान। अभी प्रश्न है, फिर उन्होंने ये व्यास देव को भेजे क्यों, ये व्यास देव आए किस लिए, इसका क्या रहस्य है? बल इसका रहस्य है, कहते जो जीव है, कहते जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मतलब जो जीव है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी अमल चेतन सहज सुख राशि। कहते हम लोग कौन हैं, हम लोग कौन हैं, बोले ईश्वर अंश, हम सबके सब भगवान की औलाद हैं, भगवान की संतान हम सबके सब है, लेकिन उनकी संतान होते हुए भी, लेकिन भगवान कौन है, इसलिए कहते हैं ना सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे
तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम नुमः। भगवान सत चित आनंद भगवान, सत मतलब भगवान सत्य स्वरूप है, चित मतलब भगवान ज्ञान स्वरूप है, और आनंद मतलब भगवान आनंद स्वरूप है। लेकिन हम कौन हैं? उनके बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं, इसलिए हमारे अंदर में भी भगवान में जो गुण हैं वो भी हमारे अंदर में हैं। भगवान अजर अमर है, सत्य स्वरूप है, भगवान कभी मरते नहीं, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान वो नित्य शाश्वत है, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, ठाकुर कभी बूढ़े नहीं होते हैं, हमारे अंदर में वो गुण है। आप लोग जगत में बताओ कौन बूढ़ी होना चाहते हैं, कौन बूढ़ा होना चाहते हैं? देखना अगर एक बाल पक जाए ना शीशा में दिखाई पड़े तो उठा कर फेंक देते। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, जिम जाते हैं, क्यों? हम कोई बूढ़ा होना नहीं चाहते हैं, भले ही 100 साल के हो गए, शीशा में अपना रूप को देखो कैसे लगता है, मैं तो कल ही जन्म हुआ। इसलिए जितने कोई सोचता है हम मरने वाले हैं, अभी कोरोना में कितने लोग गए आपको पता है कि नहीं, लेकिन जो जिंदा है कभी सोचते हैं हम भी कभी मरने वाले हैं। बोले क्यों, कारण है क्या? बोले कारण है हमारे जो मूल पिता है भगवान कृष्ण और राम है, वो नव किशोर नटवर है भगवान, भगवान ज्ञान स्वरूप, हम भी सबके सब ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, भगवान आनंद स्वरूप, हम भी जीवन भर आनंद की खोज में ही ये जीवन को हम बिताते हैं। कारण हम भगवान की संतान, लेकिन ये मिल नहीं रहा है, चाहते तो है आनंद रहना। बताओ जगत में कौन दुखी होना चाहते हो? हाथ उठाओ कौन दुखी होना चाहते हो? कोई दुखी होना चाहते हो? जिंदगी भर केवल सुख को पीछे भाग रहे, जीवन में सुख मिले और दुख जाए, लेकिन अभी तक हाथ में नहीं आया, अभी तक नहीं आया। बोले क्यों नहीं आया? बोले कारण है जहाँ आनंद है, जहाँ सुख है, जहाँ प्रेम है, हम वहाँ नहीं ढूंढ करके हम गलत जगह पर ये आनंद को ढूंढते हैं, ये माया में ही संसार में आनंद को ढूंढते हैं, इसलिए ये आनंद नहीं मिलता है जीव को। लेकिन हम लोग कौन हैं? बोले अमृतस्य पुत्रा, कहते हम अमृत के संतान, हम भगवान की औलाद है, लेकिन अभी भगवान को भूल करके संसार में बिलबिला रहे हैं। लेकिन हम अरब खरबपति के अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है, कहते जिनकी एक एक लोम कूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान हैं, उनके हम औलाद हैं। लेकिन औलाद होते हुए भी रोड का भी भिखारी बने हैं, रोड की भिखारी बनकर के बैठे हुए, लेकिन हमें पता नहीं हम किसकी संतान हैं। इसलिए वह चीज़ को याद दिलाने के लिए भगवान युग युग में खुद आते हैं, नहीं तो अपना निज जन किसी प्यारे भक्तों को उसी जगत में भेजते हैं। बोले जाओ ये जीव को समझाओ तुम कौन हो, इनको समझाओ ये कौन है, तुम आए कहाँ से, ये भूल कर भूले बैठे हुए हैं सबके सब। इसलिए जगत में ये व्यास देव भगवान स्वयं नारायण ही स्वयं व्यास देव रूप में प्रकट होकर के हम लोगों को बताया, भैया तुम्हारी घर कहाँ हो, तुम कहाँ के रहने वाले, और तुम क्या कर रहे हो, कैसे ये अमृत तत्व को तुम प्राप्त करोगे। यदि ये व्यास देव ने जगत में आ करके ये बात को बताए, अगर ये व्यास देव जगत में नहीं आते तो अभी हम भी संसार की माया में भटकते हुए होते, यहाँ पर एकत्रित नहीं होते, ठाकुर का नाम नहीं जप करते, गले में कंठी नहीं पहनते, तिलक नहीं लगाते, हम भी माया के चक्कर में पिसते रहते। इसलिए ये व्यास देव ने जगत में अवतीर्ण हो करके उन्होंने पहले क्या किया, पहले उन्होंने वेद को, उन्होंने पहले एक वेद था, एक वेद को उन्होंने 4 भाग में विभाजित किया, ऋग यजु श्याम और अथर्व, उसको बाद में फिर उन्होंने उपनिषद बनाया। वेद मतलब भगवान को जो हम जनाए, वेद मतलब वेद यतीति वेद, भगवान कौन है, हम कौन है, कहाँ से आए, हमें क्या करनी चाहिए, फिर उन्होंने उपनिषद बनाया। उपनिषद मतलब जो जीव को भगवान के पास तक ले जाए। फिर उन्होंने ब्रह्मसूत्र बनाया, फिर उन्होंने पुराण बनाए, फिर उन्होंने देखा शूद्र और स्त्रियों को वेद में अधिकार नहीं, उन्होंने पंचम वेद श्री महाभारत बनाए, और जिसमें ये भगवत गीता, जिसको अंदर में ये भगवत गीता है। लेकिन ये सब करने का बावजूद भी एक दिन श्री व्यास देव
बड़े दुखी होकर के बैठे हुए थे, बड़े दुखी होकर के व्यास देव बैठे हुए थे। एक दिन भगवत इच्छा से श्री नारद जी भगवान की कीर्तन करते करते बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा हरी हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल।
जब श्री नारद जी वहां पर आए और व्यास देव को बड़े दुखी होते हुए बैठे, लेकिन गुरु तो सर्वंतर्यामी होते हैं, इसलिए उनका नाम है गुरु। गुरु मतलब क्या होता है? बोले गुकार अंधकार, रुकार तस्य निर्भव। हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है उसको जो दूर कर दे, इसलिए इनका नाम गुरु मतलब अंधकार, रू मतलब उजाला है। इसलिए बोले ना अज्ञान तिमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो हमारी अज्ञान को हटा करके हमारी आँखों में दिव्य आलोक को जो प्रदान करे, कभी ये गुरु का काम है। अभी तो नारद सब जानते हैं, बोले व्यास लगता ही तेरे मन में शांति नहीं है, सुख नहीं। बोले गुरु जी अब सही बताए, अब सही नस को पकड़ लिया। हम तो जीव कल्याण के लिए इतने ग्रंथों को हमने रचना की, लेकिन हमें अंदर से आनंद नहीं है, लगता है मेरे अंदर में किस चीज़ की कमी है। गुरु जी आप तो गुरु हो, आप ही बता सकते हो कमी किस चीज़ की। देखना हम भी संसार में जो कुछ करते हैं किस लिए करते हो? संसार में शांति सुख के लिए, इसलिए तो करते हैं ना। कोई दुख को घर में निमंत्रण देते हो क्या? कोई देते हैं दुख को, लेकिन बिना बुलाए दुख अपने आप आते हैं, बिना निमंत्रण के आते हैं। लेकिन जीवन में सबके सब हम सुख चाहते हैं, हैं, लेकिन अभी ये दुख का कारण क्या है? इसलिए गुरु जी आप बता सकते हो ये दुख का कारण क्या है। तब श्री नारद जी कहते हैं, बोले जथा धर्म दयाश्चार्था मुनि वर्ज्यानु कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जनु वर्णित। बोले तुमने दूसरे दूसरे धर्मों के विषय में जितने बढ़ा चढ़ा करके बताए, कैसे जगत का धर्म दान पुण्य करी, कैसे पैसा कमाए, पैसा से कैसे भोग करी, तुमने ये बात को तो बड़े बढ़ा चढ़ा करके बता दिया, लेकिन जो जीव का जो असली धर्म है ना, हैं, सबई पुंसा परो धर्म जतो भक्ति रदुख सजी। जीव का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म भगवान को प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना, उनका नाम लेना, उनकी भक्ति करना, तुमने ये बात को दिल खोल कर बोला ही नहीं। अगर कहते ना अगर शांति पाना चाहते तो दूसरों को सुख दोगे तो सुख मिलेगा और दूसरों को दुख दोगे तो दुख ही मिलेगा। तुमने जीव को शांति कब दिया तुमको शांति मिलेगा? तुम तो असली बात बताया नहीं। जैसे उदाहरण दिया, जैसे एक पिंजरा है, पिंजरा को अंदर में एक तोता रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो पिंजरा को दिन भर तक पेंटिंग करते हैं, लेकिन अंदर में जो तोता बैठा है उसको खाना नहीं देते। आप बताओ वो तोता जिंदा रहेगा ना मर जाएगा? बताओ मर जाएगा ना जिंदा रहेगा? वो मर जाएगा ना। हम भी दिन भर यही करते हैं, ये शरीर को कैसे ब्यूटी पार्लर में ले जाओ, शरीर को बढ़िया साबुन से स्नान कराओ, बढ़िया को शरीर को साड़ी सूट सलवार शरीर को कैसे श्रृंगार करो, इसी में लगे हुए। लेकिन असली रूप में हम जो है, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो हम ईश्वर का ही अंश है, हमारी कर्तव्य ईश्वर की भक्ति करना, वो असली चीज़ नहीं करनी, और नकली चीज़ में दिन भर नकली चीज़ में लगे हुए। इसलिए वेदांत का जो पहला सूत्र है, बोले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है, कहते इसमें तीन वार्ड आया है, अतः अतः ब्रह्म जिज्ञासा। बोले अतः मतलब क्या? बोले जीवन में हम सबके सब सुख ढूंढते हैं, जीवन में सुख ढूंढ रहे हैं, अतः अतः मतलब क्या? लेकिन जहाँ ढूंढनी चाहिए ना वहाँ नहीं ढूंढ करके गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। बोले एक मैया रोड में एक घंटा तो कोई चीज़ को ढूंढ रहा था, एक व्यक्ति ने देखा ये माता जी एक घंटा से यह क्या ढूंढ रही है, वो एक घंटा बाद में आया देखा वो भी ढूंढ रहे हैं। बोले मैया क्या कर रहे हो? बोले मेरे सुई कहीं गिर गया, सुई ढूंढ रहा हूँ। बोले सुई गिरा कहाँ पर? बोले घर में। बोले घर में गिरा तो रोड में नहीं भोग, रोड में क्यों ढूंढ रहे हो, घर में ढूंढो ना। इसका मतलब है जहाँ हमारी गलती हुई है हम वहाँ पर नहीं देख करके, जहाँ गलती नहीं हुई वहाँ पर ढूंढ रहे। हमारी जो मूल जो अपराध है, हम जो भगवान के संतान अमृत सुपुत्रा हम असली रूप में उनको छोड़ दिए और ये माया संसार में ही सुख ढूंढते हैं। लेकिन सुख कहाँ मिलेगा? बोले ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म भगवान एक नाम ब्रह्म, ब्रह्म मतलब क्या है? जो आनंद स्वरूप है।
जो रस स्वरूप है, जो प्रेम स्वरूप है, जो सुख स्वरूप है, हैं जो अमृत स्वरूप भगवान है, उनके चरण में ही अशोक अभय अमृत, ये ठाकुर जी के चरण में ही, ठाकुर के चरण में और कहीं नहीं। अब हनुमान जी का नाम सुने कि नहीं? आप बताओ हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं? राम की सेवा करते हैं ना, और दिन भर रघुपति राघव राजा राम पति तपावन, दिन भर राम सेवा और राम के नाम करते हैं। अपना दुख तो दूर गया है और दूसरों को दुख भी दूर करते हैं, हैं दूसरों को दुख भी दूर करते हैं। इसलिए यहाँ व्यास देव जी को नारद जी बोले, बेटा तुम तो दूसरों को सुख दिया ही नहीं, सुख कैसे मिलेगा? अगर जीवन में सुख पाना चाहते हो क्या करो, तुम दिन भर करके भगवान की जस को गाओ, भगवान की भक्ति की बात बताओ, भगवान कृष्ण की बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा सुनाओ, भगवान की सुंदर सुंदर लीला वर्णना करो। कृष्ण कैसे भगवान होकर के कहते, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया। हाँ, कृष्ण कैसे ब्रज में जन्म हुए और ब्रजवासियों ने क्या गाते हैं, बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला, गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में आयो नंद लाला, नंद के बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुमने ये सब बताया, वो अजन्मा होते हुए गोकुल में कैसे जन्म हुए, वो अजन्मा होते हुए भी घर घर में कैसे मक्खन चोरी करते हैं, वो अजन्मा होते हुए भी कैसे मक्खन चोरी जब करते हैं ना, मैया कहते ने मक्खन खाई, कृष्ण डर से क्या बोलते हैं, मैया मोरी मैंने ही मां। तुमने सो बात बताए कैसे कृष्ण गोपियों के साथ में रास कैसे करते हैं, सखाओं को झूठन कैसे खाते हैं, मैया कैसे उखल में बांध देती, ये बात बताया? बोले नहीं, बोले इसलिए तो शांति मिला नहीं। अभी कीर्तन कर रहे थे, आनंद आ रहा था तुम्हें? आनंद तो भगवान की कीर्तन है, प्रभु की भक्ति में ही आनंद है, प्रभु का प्रेम में आनंद है, और आनंद कहीं नहीं है आनंद। बोले तुमने ये बात तो बताया नहीं, आनंद मिलेगा कहाँ से तुमको? इसलिए अब ये भागवत ग्रंथ रचना करो, जिसमें बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण की प्यारी प्यारी कथा सुनाओ, कृष्ण की हैं सुंदर सुंदर कथा सुनाओ, इसी से ही आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए व्यास देव ने नारद जी के उपदेश में ही इन्होंने ये भागवत ग्रंथ, अंदर में आ जाओ, अंदर में जागा दो, थोड़ी थोड़ी खिस्सा करके बैठ जाओ माता। इसलिए उन्होंने बोले ये भागवत ग्रंथ रचना करो, इसी से ही आनंद शांति इसी से ही मिलेगा। इसलिए व्यास देव ने किया क्या, उन्होंने बोले भक्ति जोगे न सम्यक प्रणहिता मले अपस्यम पुरुषम पूर्णम माया च तत् अपाश्रयत। इसलिए उन्होंने भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधिस्त हुए
गोलोक वृंदावन को देखा, कृष्ण के लीलाओं को देखा, बस आनंद ही आनंद उन्होंने भागवत रचना की। इसलिए हम सबके सब श्री व्यास देव का चरण में ऋणी हैं। अगर ये व्यास देव नहीं होते तो ये ग्रंथ को कोई रचना नहीं करते, रचना नहीं करते तो हमको भक्ति भगवान की हमें बात हमें प्रभु आप लोगों को बताया था ना कि जो चेयर है ना पूरा पीछे ले जाओ, कुछ कुछ माताएं आकर के उनको जगह नहीं मिल रहा है, ये चेयर को पूरा के पूरा पीछे ले जाओ फिर माताएं बैठ सकती है। खड़े हो जाओ सबके सब, जो चेयर है ऊपर बैठे हो वो चेयर को बाहर निकाल दो, चेयर को बाहर निकाल दो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए हम सबके सब व्यास देव के चरण में ऋणी हैं। अभी हमारे यहाँ पर कुछ भक्त लोग हैं, ये इन लोग कुछ कुछ व्यास देव कौन हैं, हम अभी आज तो व्यास पूजा है, व्यास देव का जन्म तिथि, लेकिन अभी देखो आज हम अपना गुरुदेव को पूजा कर रहे हैं, है ना, अपना गुरुदेव को पूजा कर रहे हैं। बोले गुरु जी को क्यों पूजा कर रहे हो, आज तो व्यास देव का तिथि है ना, व्यास देव की पूजा होनी चाहिए। कहते व्यास को तो पूजा करते ही हैं, लेकिन हम उसको साथ साथ में श्री गुरु जी को भी पूजा करते। बोले क्यों, बोले व्यास देव क्या किया, बोले शास्त्र को विस्तार किया, पर उसी परंपरा में अभी हमारे गुरु जी भी उसी परंपरा में आ करके व्यास देव ने जो काम किया था जगत में हरि भक्ति को जगत में प्रचार किया, हमारे गुरुदेव भी वही काम को कर रहे हैं, जगत में भक्ति को जगत में प्रचार और प्रसार करते हैं। इसलिए हम अपना गुरुदेव को भी अभिन्न व्यास रूप में गुरुपाद पद्म को सबके सब पूजा आज हम के सब करते हैं। बोले श्री व्यास पूर्णिमा की, बोले व्यास देव का जन्म तिथि की। अभी हमारे बीच में रोहिणी सुतो प्रभु जी हैं, ये कुछ आपको व्यास पूजा और गुरु तत्व, ये गुरु तत्व क्या है, ये व्यास पूजा क्या है, इस विषय पर बोलेंगे। देखो ध्यान देकर सुनो, कुछ कुछ माताएं हरि नाम दिखा लिए हो, देखो विशेष करके गुरु जी से हमें तीन चीज मिला है, कितना चीज मिला है, जोर से बोलो, एक में तो गले में हमें तुलसी की कंठी गुरुदेव दी, दूसरे चीज तिलक दिए गुरुदेव, और जो तीसरी चीज गुरुदेव दिए भगवान की ये माला को गुरुदेव ने, भगवान की माला हमें प्रदान की। इसलिए ये तीन चीज को ठीक करके रखना, ये तीन चीज में अगर एक चीज मिस हो जाएगा ना फिर तो आप प्रभु के पास नहीं जा सकते। इसलिए संत लोग उदाहरण देते हैं, जैसे अगर हमें अमेरिका जाना, नहीं तो रसिया जाना, लंदन जाना, कहीं जाना, हमारे पास में तीन चीज होनी चाहिए, कितना चीज होनी चाहिए, तीन चीज क्या क्या होनी चाहिए, एक तो पहले होनी चाहिए पासपोर्ट, दूसरी चीज होनी चाहिए वीजा, और तीसरे चीज टिकट, ये तीन चीज अगर होना फिर इसी साधारण जगत में देखो 2-4 घंटे का रास्ता है, बॉर्डर क्रॉस करना तो आपको ये तीन चीज चाहिए, नहीं तो आप क्रॉस नहीं आपको जाने नहीं देंगे। जब ये साधारण दुनिया में तुम्हें प्रवेश करने नहीं देंगे फिर ठाकुर जी को पास में कैसे जाओगे। इसलिए पहला नंबर है कंठी, ये किया तुम्हारी पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट हो गया। इसलिए ध्यान देकर सुना, इधर बड़े गुरु जी कहते थे, भैया बैठ जाओ सबके सब, बड़े गुरु जी कहते थे जब हम गुरु जी से कंठी लिए हैं, ये कंठी नहीं ये तुलसी सा क्या भगवान की निवास, ये लकड़ी मत समझो, इसमें ठाकुर जी की निवास है, वृंदादेव तुलसी की निवास है, ये कोई लकड़ी नहीं है, साक्षात भगवान ठाकुर जी वृंदादेव लक्ष्मी नारायण है। गुरुदेव कहते थे अगर किसी कारण से तुम्हारी गले से कंठी टूट गई, गुरु जी कहते जब तक तुम उसको 2 बार नहीं पहन लो तब तक पानी तक भी नहीं पिया करो, क्यों, जो कुछ हम पीते हैं इस तुलसी को टच करते हुए अंदर में जाता है पवित्र बन करके, जो कुछ हम बोली बोलते हैं वो शुद्ध बन करके ये बोली निकलती है, क्यों, गले में तुलसी कंठी है, गले में तुलसी कंठी। इसलिए गुरु जी कहते थे जब तक गली अगर किसी कारण से टूट भी गया उसको दोबारा पो लो, तुलसी को गले में दोबारा पो लो, पोल कर पहन लो, जब तक तुलसी कंठी नहीं पहनो पानी पीना भी पाप है, गुरुदेव कहते हैं। इसलिए पानी नहीं पीनी चाहिए गला में कंठी, और जब महाराज तो कहते हैं जिनकी गले में तुलसी कंठी नहीं उसको पकड़ पकड़ कर मेरे पास में ले आना, हैं उनको ले आना, अगर किसी कारण से कहीं प्राण छूट गई गला में कंठी नहीं रहेगा तो हम प्रभु के पास में जा ही नहीं सकते। इसलिए गुरुदेव कहते थे खबरदार गला से कंठी
नहीं उतरनी चाहिए, किसी कारण से भी गले से कंठी नहीं उतर, दुनिया उतर जाए, लेकिन हम क्या करते हैं, सोने का चैन तो पहन लेते हैं, लेकिन कंठी हमारे गले में कंठी उतर जाए, वो टूट गई, लेकिन सोने का चैन ही नहीं टूटी, सोने का और सब कंठी टूट गई, इसलिए गले से कभी कंठी नहीं उतरनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, कहते हैं तिलक, कहते ये तिलक क्या, बोले भिजा है, ये तिलक भिजा है, इसलिए जरूर ये गोपियों की चरण धूली हर समय, शास्त्र कहता है जिनकी ललाट में तिलक नहीं वो ललाट शमशान सदृश है, शमशान के बराबर है। इसलिए देखो कृष्ण को देखो तिलक लगा, भगवान राम को देखो तिलक, नारायण को देखो तिलक, हनुमान को देखो तिलक, गणेश जी की 33 करोड़ देवता में किसी देवता को देखोगे तिलक के बगैर, कोई ठाकुर भी तिलक के बगैर नहीं रहते। जैसे जगत में कुछ माताएं हैं, जैसे आप लोग क्या, आप लोग मांग भरती हो, आप लोग मांग भरती हो, सिंदूर लगाती हो, मंगल सूत्र पहनती हो, नाक में बेसर पहनती हो, ये जगत का पति के लिए चिन्ह धारण करते हो, ये शरीर की पति के लिए तो चिन्ह धारण किया, दो जिसको एक दिन उसके साथ में छूट हैं, जिसके साथ में छुटकारा हो जाएगा, टूट जाएगी, लेकिन जिसको साथ में कभी संबंध टूटेगा नहीं, लेकिन उसके लिए जरूर ये तिलक पहना करो। जैसे कि स्त्री जैसे श्रृंगार करके हैं सुंदर सधवा का चिन्ह को धारण करते हुए पति को सामने जब जाए ना, पति खुश हो जाता, अरे मेरे को मानती है, लेकिन तुम्हारी पति है, सारे सधवा का चिन्ह निकाल दो, एकदम विधवा बन करके पति रहते हुए सामने चले जाओ, पति स्वीकार करेगा, बोले मैं जिंदा रहते रहते क्या तुम मेरे को मार डाली, मार डाली, जब तुमको इस जगत का पति तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा वो ठाकुर कैसे स्वीकार करेगा। लेकिन अगर कंठी तिलक नहीं, जितने तुम बोल दो ठाकुर तू मेरे और मैं तेरा हूँ, ठाकुर बोले भाई तुम्हारे कुछ नहीं लगती हो, तुम्हारे कुछ भी नहीं लगते हो, तेरे साथ में हमारे कोई मतलब नहीं, क्यों मेरे को जो मानती जगत को जो पति को मानते हो, हड्डी चमड़ा टाटी पेशाब का शरीर के लिए तो इतने तुमने मांग सिंदूर भर दिए, लेकिन तुम मेरे को जो मानती हो क्या लक्षण तेरे शरीर में, कंठी कहाँ है, तिलक कहाँ है, ठाकुर स्वीकार नहीं करेंगे उसको, मना कर देते हैं ठाकुर ने, हैं ये जन्म स्वयं ये बात कहता है। और गुरुदेव ने तीसरे चीज, गुरुदेव हमें माला दिया है, ये तुमको टिकट पकड़वा दिया, जो टिकट तुम्हें गोलोक वृंदावन ले जाएगी, हाँ गोलोक वृंदावन है, तुम्हें गोलोक वृंदावन ले जाने वाले हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे जब गुरुदेव हमें ये माला दिए हैं, माला नहीं साक्षात कृष्ण को हमें दे दिया, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, द्रौपदी ने जब नाम पुकारा जटा गण श्याम, श्री हरि हरि द्रौपदी ने जब नाम पुकारा जटा गण श्याम, सारी गुरुदेव हमें माला नहीं दिया, किसको हमें दिया है,
क्या दिया गुरुदेव, बोलो जोर से। हमें भगवान खुद, भगवान को खुद ठाकुर जी हमें ठाकुर जी को दे दिया। अगर ठाकुर जी को अगर गुरु जी दिए, हमारे क्या करते हैं, ठाकुर को पूजा करो, ठाकुर जी को सेवा करो। अभी ठाकुर को पूजा कैसे सेवा कैसे करेंगे, यदि जो कलयुग में भगवान का नाम जप करते हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही परा। भगवान कलयुग में जानते हैं ये कलयुग का जीव ज़्यादा कष्ट कर ही नहीं सकता है, ऐसे उपाय दे दो बिना पैसा बिना कष्ट बिना परिश्रम में प्रभु का नाम हो जाए। हैं, तृतीय युग में यज्ञ करने के लिए हजार हजार लाख लाख रुपया खर्चा होता था, सत्य युग में ध्यान के लिए कितना कठिन करना पड़ता था, द्वापर युग में पूजा के लिए कितने पैसा खर्चा करो। भगवान कलयुग में प्रभु का नाम दे दिया, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा। आप लोग कोई बोल नहीं रहे हो, क्या चक्कर है, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम। और एक बार जैसे छत उड़ जाए, बोला हरे बताओ कोई पैसा लगा हमको बोलने में, बोलो ठाकुर बोले हमें पैसा दो, नहीं, एकदम फ्री में है, और बल्कि आनंद मिलता है भगवान का नाम से, आनंद मिलता है और फ्री बिना पैसा में, उठते बैठते सोते हर समय। लेकिन एक श्लोक में बताए, बोले जो कलयुग में भगवान इतने सरल बना दिया, बोले जिह्वा च बस बरती ना सुलभम भगवत नामम, बिना पैसा में बिना कष्ट से। लेकिन ये कलयुग का लोग इतने आलसी है, इतने आलसी, भले ही तीन तीन घंटा बैठ करके टीवी देख लेंगे, स्मार्टफोन में लगा देंगे, और कुछ माताएं बैठ जाए ना बिना कर्म की, उसकी छोरा ऐसे किया, उसको छोरी को छोरा ने भगा करके ले गया, उसको घर में ये हो रहा है, बहू सास में लड़ाई हो रही है, देखना बिना कारण के घंटे घंटे समय बीत जाते हैं। लेकिन ये बोलो प्रभु का थोड़ा माला जप करना वाले समय कहाँ है, हमारे पास में समय कहाँ है, मतलब इतने दुर्भाग कलयुग में। इसलिए भगवान कलयुग में बड़ी कृपा करके इतने सरल उपाय को ठाकुर ने दिया। इसलिए गुरुदेव कहते थे, एक दिन अगर ये माला जप नहीं किया ना, देखो ध्यान देकर सुनो, गुरुदेव कहते थे अगर तुमने एक दिन माला जप नहीं किया, मतलब है ठाकुर जी दिन भर भूखे रह गए, ठाकुर का स्नान नहीं कराया, ये गुरु जी के मुँह से निकली हुई वाणी, ठाकुर जी को तुमने कपड़ा नहीं पहना, ठाकुर जी को खिलाया नहीं, ठाकुर भूखे बैठे। क्योंकि भगवान कलयुग में नाम रूप में आते हैं, इसलिए नियम है जब तक कुछ माला नहीं कर ले तब तक भोजन नहीं करनी चाहिए, कुछ माला करके ही भोजन करने चाहिए। जैसे हमारे गुरु जी बैठे हैं ना, जानते हो कितने माला करते थे वो, जब तक 1,00,000 हरिनाम पूरी नहीं करते थे, 1,00,000 मत 64 माला, जब तक गुरुदेव 64 माला नहीं करते थे तब तक गुरु जी सदर नाश्ता नहीं लेते थे, 3:30 बजे उठ करके 9 बजे अंदर में गुरुदेव 1,00,000 माला पूरी करते थे, 64 माला, तभी जाकर गुरु जी की जगत में नाम क्यों हो रहा है, सारा दुनिया गुरु जी के चरण में, पृथ्वी का लोग क्यों आए, कारण क्या, कारण है बस ठाकुर जी की नाम लेते थे। हनुमान जी को घर में क्यों पूजा हो रही है, हनुमान खुद कहता है रामायण पढ़ करके देखो, अगर सवेरे उठ करके मेरे मुँह को ही देख लिया ना, मेरे नाम अगर कोई ले लिया, मैं ऐसे जाति में जन्म लिया बंदर जाति में, दिन भर उसको भूखा रहना पड़ेगा, हनुमान कहते हैं। लेकिन देखो घर घर में मेरी पूजा हो रही है, बोले क्यों, कारण है राम का मैं नाम लेता हूँ, राम का मैं नाम लेता हूँ, शंकर जी की जगत में क्यों पूजा हो रही है। कहते पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, शंकर जी पंचमुख में राम का नाम जप करते हैं। माता देवी की क्यों पूजा हो रही है, देखना 8 हाथ में एक माला देखोगे देवी के, ब्रह्मा की 4 हाथ में एक माला देखोगे, सरस्वती की 4 हाथ में एक माला देखोगे। ये जितने देवा देवी जगत में जो जितने ठाकुर का नाम जप किया ना, जगत में उतना बड़ा व्यक्ति बना, जगत में अमर अजर तो को वही व्यक्ति प्राप्त किया जो जितने प्रभु का नाम जप किया, जितने बड़ा भक्त हो पाए। जगत में बहुत स्त्रियां हुई है, लेकिन हम मीरा का नाम लेते हैं, लेते हैं, क्यों मीरा का नाम लेती हो, अपना मैया का नाम पूछो याद नहीं होगा, लेकिन मीरा का नाम अमर है। गोपियों का नाम क्यों लेते हैं, कृष्ण भक्ति करते थे। सूरदास का नाम क्यों अजर अमर है, कृष्ण भक्त थे। इसलिए अगर जगत में सबसे बड़ा बनना चाहते हो, हीरो हीरोइन नहीं बन करके,
बॉलीवुड में हीरो हीरोइन नहीं बन करके क्या बन करके, कुछ दिन पहले कोई सुशांत था ना जिसको मार डाला, क्या था उसका नाम, हाँ इसलिए भैया दो दिन बाद में कुछ दिन के लिए नाम होता है बाद में, जैसे मोदी जोगी, लेकिन कब तक 5 साल के लिए नहीं रहे तो कोई नाम नहीं लेगा, कोई नाम नहीं लेगा इनको। लेकिन अगर भक्त बन गया ना बस चिरकाल के लिए नाम अजर अमर हो जाएगा। अगर जगत में बड़ा बनना चाहते हो क्या बनो, भगवान के नाम जप करो, प्रभु का नाम से ही जगत में बड़े बन सकते हो, ठीक है ना। इसलिए गुरु जी कहते थे खुद भूखे रह जाओ, जब तक माला नहीं करोगे तब तक हरी नहीं भोजन नहीं करना। यहाँ पर हमारे कुछ माताएं हैं, कुछ हमारे गुरु जी के शिष्य लोग हैं, जानते हो वो जब तक 1 लाख हरी नाम नहीं करते ना तब तक भोजन नहीं करते, भोजन नहीं करते हैं। हमारे गुरु जी को शिष्य है गौरवप्रिया, बताओ तो तुम कितने माला करते हो, खड़ी हो जाओ जोर से, कितना माला करती हो बोल जोर से, हाँ 48 माला करती हैं। देखो ये जो इस बच्ची को देख लो, ये डॉक्टर है, हैं ये फिजियोथेरेपी का डॉक्टर है, लेकिन देखो होते हुए भी ये क्या करती हैं, भगवान के नाम जप करती हैं, घर का सारे काम करती है, ऐसे नहीं घर का काम नहीं करती, घर का सारे काम करती, उसको साथ साथ में भी भगवान की नाम भी लेते हैं, भगवान की भजन। इसलिए आप लोग भी इसलिए खड़े किया, आपके अंदर में उत्साहित हो, कुछ कुछ जगत में लोग होते हैं ना तिलक लगाएंगे शर्म नहीं लगेगा, वो डॉक्टर है वो लड़की, लेकिन देखो कितने बड़े टीका लगाए, इसको देख लो कितना बड़ा तिलक लगा। इसलिए यहाँ पर हमारे कुछ कुछ भक्त श्री राधा दासी यहाँ पर बैठी अभी प्रचार करती हैं जगत में, जो गले में कंठी माला तिलक, इसलिए हाँ शर्म तो गंदी काम के लिए करनी चाहिए, अच्छे काम के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए माला को ठीक रूप में माला जप करना, इसलिए भले ही खुद भूखे रहो माला को कभी भूखे रहने नहीं देना। कौन कौन भूखा नहीं रखेगा हाथ उठाओ, तो कौन कौन माला को भूखे नहीं रखेगा हाथ उठाओ, कोई हाथ नहीं उठा रहा, क्या चक्कर है। हाँ इसलिए गुरुदेव जो माला दिया इसको ठीक से माला करना, इसलिए भागवत का सार ही माला है, भागवत का सार ही प्रभु का माला है। इसलिए सबके सब एक बार हाथ उठा करके बोलो, खड़े हो जाओ बोले एक बार हाथ उठाओ, वहीं पर खड़े हो बोला, बोला हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 राम। और एक बार बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 कीर्तन की। नवीन तुम कुछ बोलो, इधर आ जाओ, आ जाओ 2 मिनट बोल कर जाना, इधर आ सामने आ जाओ, बोल बोल बोलो। दिव्य गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः, नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमान भक्तवेदांत नारायण नामने श्री कृष्ण लीला गतने सुदक्षम अवदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महंतम नारायणं तां चित्तानामि पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी ऐतों की कृपा की प्रार्थना करते हुए मंचासीन पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत को भी दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी ऐतों की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित ज्येष्ठ गुरु भाई बहन एवं समस्त वैष्णव वृंद के अभय चरण कमलों में अनंत को भी दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आप सब भी मुझ पर कृपा करें कि अपने साधन भजन में मैं कुछ आगे बढ़ पाऊँ।
कुछ सोचा था भूल गया। देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, सभी जानते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि क्या ये गुरु पूर्णिमा है, क्यों हम ये गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। अगर मुझे जैसा कोई भूल भी गया था और उसने अगर महाराज जी को पिछले कुछ मिनटों तक ध्यानपूर्वक अगर सुना है तो उसको सब समझ में आ गया होगा कि क्या गुरु पूर्णिमा है, क्यों ये गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, कैसे ये गुरु पूर्णिमा मनानी चाहिए। तो जैसा कि श्रीला महाराज जी से, श्रीला गुरुदेव से, समस्त वैष्णवों से जो कुछ भी श्रवण किया है, कुछ सार रूप में, पुष्पांजलि रूप में महाराज जी के, गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने की चेष्टा करूंगा। महाराज जी ने एक प्रश्न किया, कौन है जो दुख कष्ट पाना चाहता है, हाथ उठाओ। वो दुख कष्ट पाना चाहते हैं, कौन सा दुख कष्ट पाना चाहते हो, क्यों पाना चाहते हो, क्यों पाना चाहते हो? ठाकुर जी की स्मृति और गाढ़ी हो जाती है, पीछे भी एक है, सेम, बिल्कुल सही। परंतु क्या वास्तविक रूप से ऐसा होता है, जब दुख कष्ट आता है, जिसके प्रति भी आता है, क्या वो व्यक्ति भूल जाते हैं? हम अभी जो हमारा दुख कष्ट कलेश है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप श्रेष्ठ ज्येष्ठ हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं जैसे ही दुख कष्ट पाता हूँ, पसीना टपक रहा है इधर उधर नजर, पंखा मेरी तरफ कोई क्यों नहीं कर देता, अरे ये पीछे वाले देखे नहीं थे क्या, खराब हैं, हाय पहले आ गए होते, आगे बैठ जाते पंखे के नीचे। दुख कष्ट आते हैं, क्या तब पंखे की जगह कृष्ण का स्मरण हुआ? आह, जब कृष्ण गौचारण करने जाते हैं, जब उन पे धूप पड़ती है, तो वे कैसे शीतलता प्राप्त करते हैं, उन्हें कैसा लगता होगा? अरे वो बैठते हैं जब भोजन करने, तो वहां कौन से पंखे लगे हुए हैं, क्या ये स्मरण आता है? क्या हम डूब जाते हैं? हमारे बीवी बच्चे किसी को भी, घर के किसी परिवार को कोई कष्ट आता है, वो बीमार पड़ता, अभी कोरोना काल चला, कितने फोन आए हमें कि प्रभु जी महाराज जी से प्रार्थना करवा दीजिए, आप लोग प्रार्थना कर दीजिए किसी तरीके से वो बच जाए, कि वो बच जाए, उसकी जान बच जाए। हमारे में ऐसा कोई है जो इतना कठोर होके या इतना स्ट्रांग होके सोचे, अरे ये देह तो नष्ट हो जाना है, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, क्यों रोए? बेटी टेंशन मत ले, बेटा टेंशन मत ले, पापा क्यों टेंशन ले रहे हो मरने के लिए, आप हरिनाम करो बस। डॉक्टर नहीं बचाएगा, कौन बचाएगा? हरिनाम बचाएगा। नहीं कर पाएंगे, फिसल जाएंगे। हम प्रहलाद महाराज नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमसे मैं प्रहलाद महाराज नहीं हूं कि नरसिंह देव के सामने कहूंगा कि समस्त जगत के दुख मुझे दे दो। अगर अभी एक एक्सरसाइज हो जाए ना, जैसी कि एक सभा में हुई, एक महाराज जी से सब बोलने लगे हमारा ये दुख ये कष्ट, उन्होंने बोला कि एक काम करो, अपने सारे दुख कष्ट लिख के दे दो। भाई सब ने लिख के दे दिए, बड़ी बड़ी लिस्टें आ रही हैं और एक जगह डाल दी गई। उसके बाद बोला कि अपनी छोड़ के कोई दूसरी ले जाओ, तुम्हारे खत्म हो जाएंगे पर जो उठा के लेके जाओगे ना वो मिल जाएंगे। तो बड़े खुश हुए, क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि जैसा दुख कष्ट मेरे पास है वैसा किसी दूसरे का हो ही नहीं सकता। तो गए मेरे जैसा, बड़ी खुशी से गया, कहता मेरी चार पेज का था, एक पेज का उठा के ले आऊंगा। एक पेज का भी क्यों उठाऊं, छोटी सी पर्ची उठाऊंगा वही मिलेगा। उठाते ही पहली लाइन पड़ी ना, मेरा चार पेज कहाँ है वही दे दो, मेरे चार पेज दे दो, ये वाला नहीं। तो समझना पड़ेगा, हम गुरु अष्टकम गाते हैं, शिला विश्वनाथ चकती पाद हमें बता रहे हैं, संसार दावा नल क्या है, संसार दावा नल ये क्या है, ये संसार दावा नल है दुख कष्ट का, क्या है ये? एक तरीके से ऐसा है, भट्टी में डाल दिया गया, दुख कष्ट की अग्नि है, ताप है जिसमें हम जल रहे हैं,
उसमें ये गुरु महिमा में क्या कह रहे हैं, उसमें शिला गुरुदेव वो मेघ हैं। वो मेघ कैसे बनते हैं, ये बादल कैसे बनते हैं, साइंस में हमने जनरली पढ़ा है समझा कि क्या है, पानी का वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, उससे बादल बनते हैं और जहां गर्मी होती है वहां जाते हैं और बरस जाते हैं। अरे बरसने से पहले हवा चलती है ठंडी ठंडी, आधी राहत, आधी से ज्यादा राहत तो वो हवा दे जाती है, और जब वो मेघ आते हैं वह बरसते हैं और शीतलता प्रदान करते हैं। तो वो मेघ रूपी शिला गुरुदेव और वो जो समुद्र है वो कौन है, गुणार्णव कहा गया, गुणों का आर्णव, आर्णव समुद्र, समस्त गुणों के जो मूल है वो कौन है, भगवान है। उनकी जब कृपा, वो क्या कर रहे हैं, उनकी कृपा निकल रही है, वो कृपा मूर्ति रूप लेके हमारे सामने गुरु रूप में आ रही है, वो क्या कर रही है, ये नाम संकीर्तन हरि कथा रूप, वो ठंडी ठंडी शीतल हवा, वो हरि कथा रूपी क्या दे रही है, वृष्टि, वो क्या बारिश, उससे क्या है ये हमें शीतलता प्रदान कर रहे हैं। एक और बात जो बोलना रह गया चाहता था कि दो माताओं ने हाथ तो उठाए, पर अगर दुख कष्ट आता है तो मन में एक बार आता है कि खत्म हो जाए तो अच्छा है, भजन साधन कर लेंगे, आता है, ठीक है। परंतु वास्तव में एक व्यक्ति है जो दुख कष्ट लिए जा रहा है और घबराता नहीं है, वो दूसरों के लिए दुख कष्ट ले रहा है। अरे हमसे अपनी ही पर्ची नहीं बदली जा रही थी, वो दूसरों के लिए क्या कर रहा है, दुख कष्ट ले रहा है। हम में से कहीं इधर उधर हो गए पंखा ये वो, परंतु हमने इन गुरुजनों में देखा ये क्या कर रहे हैं, दुख कष्ट लेते हुए ऐसी दया है हृदय में कि अपना कष्ट भूल गए, अपना दुख भूल गए, और क्या किया, जीवों पे दया करने के लिए, कृपा करने के लिए बाहर आ गए। ये खुद हमारे आचार्य पाद बता रहे हैं कि कौन प्रचार कर सकता है, कौन गुरु बन सकता है, आचार्य कौन बन सकता है जो क्या करेगा, अपना दुख कष्ट भूल जाए और सामने वाले के दुख कष्ट के लिए क्या कर रहा है, वो उन्हीं के उन पे करुणा दया करने के लिए ही घूम रहा है। यहाँ आने से पहले हमें पता है हमारे ऐसे गुरुजन कभी ये नहीं पूछेंगे कि हॉल एसी है, मेरे खाने पीने का इंतजाम है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है, नहीं, ये पूछेंगे भक्त लोगों की बैठने की व्यवस्था सही है, ये सब चीजें पूछते हैं। वो दूसरों पे दया करने के लिए, ये समझना पड़ेगा कि गुरु तत्व क्या है, वो सब कुछ छोड़ के अपना समस्त प्रकार का, कह रहे हैं हमें किसी प्रकार का कोई कंफर्ट नहीं चाहिए, सबसे मेन कंफर्ट पता उनको क्या मिलता है, जब देखते हैं ऐसे दुख कष्ट में तड़पता हुआ जीव जब हरिनाम लेता है। हमें इस गर्मी में अचानक एसी की हवा, ठंडा पानी, ऐसा शरबत कुछ मिल जाए तो कितनी राहत मिलती है, ऐसे ही ये जब देखते हैं ये तड़पते हुए जब, आह देखो वो एक माला कर रहा है, अरे ये कुछ सेवा कर रहा है, अरे ये देखो ये कितना कुछ कर रहा है, तब जाके इनको क्या है, राहत मिलती है। भूल जाते हैं कि अरे मेरे को गर्मी, मैं पूज्य महाराज जी की एक घटना बताना चाहूंगा। एक बार महाराज जी की एक जगह भागवत हो रही है नोएडा में, सेक्टर में भूल गया, यही जगन्नाथ रथ यात्रा के आसपास की ही बात है, महाराज जी रथ यात्रा करके पुरी से सीधा फ्लाइट पकड़ के वहां पहुंच गए हैं और उसी दिन से भागवतम शुरू, ठीक है। वहां हम भी फिर रथ यात्रा अपने मन से कर करा के, क्योंकि हम मेरे जैसा तो घूमने भी करेगा, कोई घूमे पहले अच्छे से, आ गए वापस और फिर सोचा चलो अब महाराज जी की भागवत में भी चल लेते हैं, अच्छे से रहने खाने को मिल जाएगा मेरे जैसा, ठीक है। और वहाँ पहुँच गए, बैग लेके गया था, क्या करेंगे, रुकेंगे। जैसी हालत देखी कि महाराज जी कैसे स्टे कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, मैंने कहा बस प्रसाद पा लो और निकल लो, यहाँ रह नहीं सक पाऊँगा, इतनी गर्मी, ऐसी हालत।
हमारे एक ब्रह्मचारी तो बीमार भी हो गए, क्यों कर रहे हैं ये सब, ये प्रचार, ये सारी शास्त्रों की बातें, ये सब चीज़ें किस लिए? ये मत सोचना कि हालांकि हम सब जानते हैं, यहाँ सभी भक्त बैठे हैं, परंतु फिर भी रिवाइज करने के लिए कि ये किसी लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए आपके सामने नहीं आए हैं। ये मत सोचना कि अरे हम क्या क्यों किसी के सामने सर झुकाएं, हाँ हम क्या किसी से कम हैं, नहीं। हाँ ये देखो इतने बड़े बड़े बन गए हैं, ऐसे बड़ी स्टेजों पे इतनी माला पहन रहे हैं, क्यों नहीं? ये जो भी कर रहे हैं ये केवल और केवल आप पे दया करने के लिए। ये गुरुजन किस लिए आते हैं? मेरे पे दया। तो जब इस बात को मैं हृदय में धारण करके अनुभव करके जब मैं आगे बढ़ूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, तब मैं शरणागति करूंगा। दो मिनट और लूंगा महाराज जी। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया, ठीक है, उसने बोला कि गुरुदेव मुझे समझ नहीं आया कि आज के दिन मैं आपको क्या दूं, आज के दिन मैं आपको क्या दूं, आप ही मांग लो, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत अमीर हूं, जो मांगोगे दे दूंगा, आप मांग के तो देखो, बस मुझे समझ नहीं आया कि आपको क्या चाहिए। गुरु बोले बेटा ऐसा कर, जो तेरे पास सबसे घटिया चीज है ना, सबसे बेकार चीज, वो लाके दे दे। क्या घटिया? ये कौन है? ये सदगुरु है, वो ढोंगी गुरु नहीं है कि सबसे बढ़िया से बढ़िया। अच्छा एक काम कर, एक BMW दे दे, एक बहुत बड़ा आश्रम बना दे, वो लिस्ट वाले गुरु नहीं। ये क्या मांग रहे हैं कि सबसे घटिया चीज लाके दे दे। अब वो व्यक्ति सोच रहा, अरे ये गुरुदेव ने क्या मांग लिया। कहता गुरुदेव सोच लो। अरे नहीं, मुझे तू सबसे घटिया चीज लाके देगा, जा। अब वो बाहर निकला, कह रहे घटिया चीज, घटिया चीज क्या लाऊं, अब क्या घटिया हो सकता है। चलते चलते ठोकर लग गई, नीचे गिर गया, घुटना छिल गया, है बेकार सा पत्थर रस्ते में। ओ बेकार सा पत्थर, घटिया, ये तो बढ़िया चीज मिल गई, ये पत्थर ही ले जाता हूं गुरुदेव के लिए, क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्या है, घटिया चीज। अब पत्थर उठा रखा, चलते 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 अचानक कीचड़ में पांव पड़ा। आय हाय, पत्थर तो फिर भी उठा लिया, कीचड़ उठाने का तो मन भी नहीं कर रहा, कहते ये ज्यादा घटिया है, वो उठा लिया और पैकेट में बंद करके कि अब कल पूजा में जाएंगे, अब तो मुझे घटिया चीज मिल गई है, गुरुदेव के हाथ में तो नहीं, सामने रख दूंगा कि लो गुरुदेव सबसे घटिया चीज ले आया। ठीक है भाई, रात हुई, अगले दिन सुबह जब पैखाना गया है और पैखाना करके उठा है, आय हाय ऐसी दुर्गंध, देखने का मन नहीं, कहता आहा ये तो कीचड़ से भी घटिया है, कईयों के तो मुंह ही बन गए हैं। माफ करना पर प्रसंग में जरूरी है। अब जब सोचा कि ये पैखाना सबसे घटिया चीज है, और जैसे ही उसको पकड़ के पैक करने की कोशिश कर रहा है, वो पैखाना बोल पड़ा, ओ तू मुझे घटिया समझ रहा है, तू मुझे घटिया समझ रहा है, ओ भाई कल रात तक मैं शाही पनीर था, दाल मखनी था, नान था, काजू की बर्फी था, ठंडाई था, घटिया पैखाना तो तूने मुझे बनाया है। ओ अब समझ में आ रहा है, मैं मेरा शरीर देखो कैसा है, ऊपर से क्या डालता हूं, कोई घटिया डालता है मुंह में, बढ़िया, और उस बढ़िया को मैं क्या बना रहा हूं, घटिया, तो जो घटिया बना रहा है, अरे मैं तो इसका मतलब तो सबसे घटिया मैं हूं। अब जब वो गया अगले दिन, पड़ गया चरणों में कि गुरुदेव आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया, अब मुझे समझ में आया ये जो मैं है ना, मैं यही सबसे घटिया। तो गुरु पूजा कैसे करेंगे? ठीक है हम औपचारिकताएं पूरे करेंगे, हम माला देंगे, मिठाई आदि जो भी पकवान आदि ऑफर करेंगे अपने गुरुदेव को, पर याद रखेंगे सबसे पहले किसको ऑफर करना है, मैं अपने आप को, कि गुरुदेव मैं देखो मुझसे बड़ा ना कामी मिलेगा आपको, मुझसे बड़ा क्रोधी नहीं मिलेगा, मुझसे बड़ा लोभी नहीं मिलेगा,
ऐसा मदमात्सर्य आपने कभी जीवन में नहीं देखा होगा जैसा मेरे अंदर है। जरा देखो इसको, आप पतित पावन हैं तो पतितों की लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम है। सबसे पहले आपको मुझे ही पावन करना पड़ेगा और आप और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो चीज निकाल के बाहर रखनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, जब आए तो थाल सजा के उसमें क्या लाएं, अपने सारी उन बातों को, उन घुए बातों को जिनको हमें शर्म आती है, हम नहीं बताना चाहते हैं। हाय हाय, अगर मैंने गुरुदेव को बता दिया तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे वो ये सोचेंगे कि ये तैयार है आज सुधरने के लिए, बदलने के लिए, भजन भक्ति करने के लिए, ना कि ये गुरुदेव मैंने ये कर दिया और मैं वो कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। नहीं गुरुदेव, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो बस कैसे गुरु पूजा करेंगे, उस मैं को उसके अवगुणों के साथ गुरुदेव के चरणों में हम समर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, जैसे हमारे गुरुदेव कहते थे, तुम अपने कुमन को, किसको, कुमन, कु मतलब कुमन लग गया तो मतलब मन गंदा, गंदे मन को मुझे दो, मुझे दे दो, मैं इसे सुमन करके राधा गोविंद के चरणों में मैं समर्पित कर दूंगा। सुमन के दो मतलब, उस मन को सुंदर करके कहाँ लगा दिया, राधा गोविंद के चरणों में, और पुष्प को भी हम सुमन कहते हैं, उनके चरणों में समर्पित कर दूंगा। तो ऐसे गुरुदेवर्गो के हम क्या करेंगे, सदैव समर्पित रहेंगे, शरणागत रहेंगे और इन्हीं के अनुगत्य में, इन्हीं की शिक्षाओं के अनुसार हम भजन साधन करते रहें, ऐसी हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप हमें अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। गौर प्रेमानंदे श्री गुरुदेव की, श्री गुरुदेव की, श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की, श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की, श्री भक्ति वेदांत श्रीदेव गोस्वामी महाराज की। ये भी आना पड़ेगा, ये भी है, नहीं 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 आ देता हूँ। हरे कृष्ण, नमो कृष्ण पारायण श्री राधे कार्य परिवर्तन श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी के नाम है। श्री कृष्ण लीला कृष्ण सुदर्शन औदार्य माधुर्य गणेश लोकम वरम वरण्य पुरुषम महात्म नारायण कम कृष्ण नमामि। नमो महाभद्रनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतिश्व नमा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी पृष्ठान सुते देवी अनमामि हरि प्रिय। ओम वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च श्री कृष्ण भक्ति व्रज देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्णा। अभी महाराज जी ने बोला, अब एक बार आप बोलेंगे, हम आपके पीछे भी से बोलेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सर्वप्रथम गुरुपाठ पर नित्य लीला प्रवेश और विष्णुपाठ अष्टोत्तर सर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडों प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात परम पूज्यपाद श्रीदाक्षी श्री रूप श्रीधाति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडों प्रणाम करता हूँ और आज की तिथि को भी प्रणाम करता हूँ और तदुपरांत भक्ति वेदांत श्री सिंह महाराज जी के चरणों में भी अपना अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। देखिए
आज है व्यास पूजा। उस व्यास जी ने जिन्होंने भागवतम को इस जगत में हम सब भक्तों के सामने प्रस्तुत किया, कह सकते हैं रचना की। लेकिन ये जो भागवतम है ये वास्तव में गोलोक में सब समय विद्यमान थी, वो बस हम लोगों के सामने लेके प्रस्तुत हुए, प्रकट हुए। तो वो जो भागवत और भगवान दोनों में कोई भेद नहीं है, जो भगवान है वही भागवत के रूप स्वरूप में प्रकाशित हुए हैं। तभी महाराज जी पूरे विश्व भर में हर देश हर कोने हर गली में जाके इन भागवत की शिक्षाओं का ही हमें ज्ञान देते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग उस पे चल करके अपने जीवन को गुरु वैष्णव के अनुगत में सार्थक कर पाए। तो वो जो भागवत जी है और वेद व्यास जी ने जो उसको वो किया रचना की हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसी भागवत को उन्होंने सारे के सारे शास्त्र लिख दिए, सारे पुराण लिख दिए। लेकिन तब तक क्या हुआ, वो प्रसन्न नहीं हुए हृदय से। इससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, जब वेद व्यास जी सारे पुराण लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए, आनंदित नहीं हुए, तो हम जगत के जीव क्या बिना भागवत का आश्रय लिए बिना क्या हम प्रसन्न हो सकते हैं? वो है ग्रंथ भागवत। कहते हैं हमारे गुरुवर जो ग्रंथ भागवत है उसको किसके अनुगत्य में पढ़ना चाहिए, ये भागवत जो है किसका ग्रंथ है? कहते हैं भागवत ग्रंथ है वैष्णव का। तभी महाप्रभु जी कहते हैं जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, वैष्णव के पास जाकर के क्या करो, भागवत का अनुशीलन करो, पठन पाठन करो। तो हमें जो भी शिक्षाएं भागवतम की लेनी है किनके माध्यम से लेनी है, हमें वैष्णव से सीखना है, गुरु जी से सीखना है, जो हमारे गुरु गुरु परंपरा है, गुरु जी है, जो वेद व्यास जी है उनका गुरु उनका प्रकाश ही वो कौन है, गुरु रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। हम वेद व्यास जी को नहीं जानते, हम नित्यानंद प्रभु को नहीं जानते, हम भगवान कृष्ण को नहीं जानते, हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते, हम किन को जानते हैं, हम जानते हैं गुरु जी को, क्योंकि गुरु जी हमें जन्मा देते हैं सबको कि राधा रानी कौन है, कृष्ण कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, वृंदावन धाम क्या है, वैष्णव तत्व क्या है। इसीलिए जो गुरु है ना, गुरु ये है अखंड गुरु तत्व कहे जाते हैं नित्यानंद प्रभु, और उन्हीं की पूजा किसने करवाई, महाप्रभु ने बोला कि नित्यानंद श्रीवास जी को माला पहना दो। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या करके दिखाया, हमें शिक्षा दी, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को माला पहना दी। क्यों पहना दी, जब महाप्रभु ने कहा था नित्यानंद प्रभु को कि श्रीवास जी को माला पहना दो, तो फिर उन्होंने महाप्रभु को क्यों पहनाई, क्योंकि जो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु है वो है वास्तविक गुरुओं के गुरुओं के गुरु, वास्तव में कौन है, अखंड गुरुओं के भी गुरु कौन है, चैतन्य महाप्रभु है। उन्होंने दिखाया जो गुरु होता है वो क्या करता है, शिष्य की श्रद्धा को लेकर के, शिष्य की जो भी भावना है उसको लेकर के किसके चरणों में देना है, भगवान राधा कृष्ण के चरणों में देना है। उन्हीं का जो विनित स्वरूप है वो कौन है, हमारे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, और नित्यानंद प्रभु है अखंड गुरु तत्व। गुरु जी ने क्या किया, गुरु जी ने पूजा के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की पूजा की, फिर इस तरह से ये सारा प्रक्रम चला। तो इसीलिए हमारे जो पूज्यवत भक्ति विनोद श्रीधर महाराज जी हैं, ये इतना अपना बिल्कुल विश्राम नहीं करते, क्या करते हैं, हर जगह जा जा करके खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, इनके हृदय में इतनी दया है, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया कि जो भजन का वास्तविक मूल है वो क्या है, गुरु निष्ठा। कहते हैं एक माँ में जितना अपने बच्चे के प्रति कितना प्रेम होता है, वो माँ खुद नहीं खाती बच्चे को खिलाती है, खुद नहीं सोती बच्चे को सुलाती है, कितना प्रेम होता है एक माँ के हृदय में बच्चे के लिए। तो भागवतम में आता है भागवतम में कि करोड़ों माओं के प्रेम को अगर इकट्ठा कर दिया जाए ना, तो वो इतना प्रेम होता है भगवान के हृदय में। और मुझे ऐसा लगता है कि कोटि कोटि ब्रह्मांडों में जितने जीवात्मा हैं उन सबके हृदय के प्रेम को इकट्ठा कर दिया जाए, तो उतना जो प्रेम है उसको एक मूर्तिमान स्वरूप दे दिया जाए ना, तो वह गुरु होते हैं। तो ऐसे गुरु महात्म की आज तिथि है। हमें वास्तव में गुरु पूजा कैसे होती है, ये यही नहीं खाली की पूजा दे दी, थोड़े पैसे दे दिए, माला पहना दी, ये वास्तविक गुरु पूजा नहीं है। अगर इतना ही करके हम चले जाएंगे तो यानी कि हमने अपने आप को वंचित कर दिया वास्तविक गुरु की कृपा से। वास्तविक गुरु कृपा क्या है, जब हम गुरु जी के हृदय के जो भावों को, उनके विचारों को,
समझ करके जब हम उस पे चलते हैं, उस पे अपना जीवन उसके हिसाब से सारा चलाते हैं, तब तो वास्तविक गुरु पूजा हुई। नहीं तो गुरु जी के पास गए और गुरु जी की कोई बात नहीं मानी तो कहते हैं कि ऐसा हुआ जैसे एक हाथ से क्या किया, एक हाथ से तो ब्राह्मण की पूजा की और दूसरे हाथ से ब्राह्मण के हाथ पे सर पे डंडा मार दिया, ऐसा चैतन्य भागवतों में आता है। तो इसलिए हमें ऐसा वाला नहीं करना, वास्तविक गुरु जी की जो इच्छा है उनके मनोभिष्ट को जान करके, जिस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को जान करके उसका जगत में प्रचार किया, इसी प्रकार से हमें भी क्या करना है, गुरु जी के जो पूज्य भक्ति श्रीधर महाराज जी है ये क्या करते हैं, अपने गुरु जी से जो श्रवण किया उन्होंने क्या किया, अपने गुरु जी से जो श्रवण किया, इसी प्रकार की सारी चेन चलती आ रही है श्रीमद चैतन्य महाप्रभु तक, कृष्ण तक। तो जो भी शिक्षाएं हमें उन सब से ग्रहण की उसी को ही हमें अपने जीवन में पालन करना है, यही बोल करके अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्ण। बोलिए एक बार हाथ उठाकर बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अभी ना कथा का समय किसको यहाँ आने मत दिया करो, थोड़ी देर रुक जाओ, 10-15 मिनट में कथा विश्राम हो जाएगा, पूजा करना ठीक है, अब 10-15 मिनट बैठ गया जो माता अभी यहाँ आने मत दिया करो, कथा ठीक कर बोलो। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत कोटि जन्म प्रणाम करती हूँ, तत्पश्चात हम मेरे शिक्षक गुरु श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि जन्म प्रणाम और सभी वैष्णवों के और वैष्णव के चरणों में भी यथा योग्य जन्म प्रणाम। गुरुदेव ने भी महाराज जी ने भी बहुत थोड़ा सा ही टाइम दिया क्योंकि बहुत भक्त लोग हैं प्रभु जी, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना आत्मसत्य व्यवहार करो हरिगुरु वैष्णव के साथ ठाकुर जी के साथ, जो गुरुदेव बता कर गए हैं, तो आत्मसत्य व्यवहार करते करते जब से हरि नाम लिया या गुरुदेव के चरणों में शरण गति ली तब से लगा कि मतलब गुरुदेव ने हाथों हाथों में ही रखा, जो कुछ मांगा वो दिया मतलब जब से, लेकिन जब से गुरुदेव ने ये बताया कि ठाकुर जी को सिर्फ ठाकुर जी को ही मांगना है, उनकी सेवा मांगनी है, संसारिक चीज़ें नहीं, वही चीज़ें करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और हरिगुरु वैष्णव के प्रति इतना आ गया कि नहीं मुझे तो सिर्फ इसी जन्म में ही करना है, जो भी करवाना है गुरुदेव से हमेशा मैं प्रार्थना करती थी करती हूँ कि जो भी करवाना है इसी जन्म में करवा लो क्योंकि अगला जन्म किसने देखा है, तो इसी जन्म में ही सब कुछ करवा लीजिए। तो जो भी हरिगुरु वैष्णव से प्रार्थना होती तो वो बिल्कुल सुन लेते और अच्छा अच्छा सब कुछ जा रहा था। जैसे प्रभु जी ने बोला ना कि यहाँ पे दुख कौन मांगता है, तो दुख कोई मांगता नहीं है, वो स्वतः ही अपनी झोली में गिर जाता है। और कहते हैं कि हरिगुरु वैष्णव जो ये दुख देते हैं ना तो वो कहते हैं कि तुम्हारी उत्कंठा बढ़ाने के लिए। अभी इसी चीज़ की अनुभूति के लिए पहले मुझे लग रहा था कि प्रसंग मैं नहीं छेड़ूंगी, लेकिन ये जब इस तरह से आए तो मुझे लगा कि गुरुदेव की भी इच्छा है तो इसीलिए इस प्रसंग को मैं छेड़ रही हूँ। क्योंकि जब तक दुख की अनुभूति, जैसे सारे हरिगुरु वैष्णव इतनी कृपा करते हैं इतना सब कुछ मिलता है तो लगता है सब कुछ सुनते जा रहे हैं, सब कुछ होता जा रहा है, स्वतः ही भक्ति हृदय में आ रही है। जब तक ठाकुर जी से संबंध ना हो, गुरुदेव क्या कहते हैं कि जब तक कि तुम भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं निर्धारित करोगे तो कैसे होगा। तो लक्ष्य निर्धारित करके जब हम आगे बढ़ते रहते हैं तभी हमें कुछ प्राप्ति होती है। जहाँ पे दुख की बात आती है तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, प्रचार भी चल रहा है, जो हरिगुरु वैष्णव कहते जा रहे हैं वो भी सब करते जा रहे हैं, बीच में कुछ एक ऐसी घटना घटी जिसने मतलब काफ़ी हद तक मुझे पहले तो उस चीज़ को पकड़ के रखा, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा टूटे भी उस दुख में उत्कंठा ये कि एक मेरी बेटी है जो 6 महीने से बीमार है, उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस से बचपन से ही वो उसके लंग्स में है, लेकिन हमेशा जब लास्ट भागवत हुई थी
तो उस तब भी वो बीमार थे, तो डॉक्टर ने कहा था इसको हॉस्पिटल ले आओ, और वो भागवत का सातवां दिन था, तो कह रहे कि जीना मरना हो सकता है तो क्या है, लेकिन उस वक्त भागवत के उस पर थे, तो कहा कि नहीं पहले तो ये सेवा कर लें उसके बाद की बात देखी जाती है। फिर इस तरह से करके जब वो जनवरी में बीमार हुई तो उसके बाद वो उठ ही नहीं पा रही है, अभी भी उस बहुत बीमार है। इस बीच जो मैंने ठाकुर हरिगुरु वैष्णव के प्रति जो मुझे सुनते थे उनके हरिनाम भी बड़ा ग्रंथ भी पढ़ती रही, हॉस्पिटल में महीना महीना रही हूँ तो वहाँ पर भी ग्रंथ अध्ययन हरिनाम बाकी ये सब कुछ चलता रहा। फिर एक पल ऐसा भी आया जैसे प्रभु जी ने बोला कि कहीं तो मन में आता है ना कि ये चीज़ ख़त्म हो तो मैं कुछ आगे बढ़ूँ, तो वहाँ पर जब बच्चे को तड़पते हुए देखते हैं ना तो बच्चा जब ये कहता है कि माँ मुझे बचा लो, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी माँ तो बहुत बड़ी भक्त है, तो वो जो कहेगी या भगवान से, क्योंकि अभी तक जो ठाकुर जी से मांगो वो सब कुछ होता है, गुरुदेव से जो बोला है वो सब कुछ करते आए हैं, वो सारी परमार्थिक इच्छाएं तो वो सारी चीज़ें पूरी हुई हैं, और बच्चा उस सब चीज़ों का गवाह है तो उसको लगता है मेरी माँ तो बहुत कुछ कर सकती है, वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो हमेशा यही कहती थी माँ मुझे बचा लो, जब ये वर्ड बोलती थी ना, जब मतलब डॉक्टर ने बोला कि पता नहीं उसके लंग्स काफ़ी कमज़ोर हैं, पता नहीं जिएगी या नहीं रहेगी कुछ नहीं पता, तो मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती कि ठाकुर जी आपको पता है कि इसका, क्योंकि मैं माँ हूँ तो जितना मैं भला सोच सकती हूँ उससे ज़्यादा, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं सबका सुहृद हूँ, सबका मैं सबसे प्रेम करने वाला हूँ, सबका अच्छा देखने वाला हूँ, तो मुझसे अच्छा तो कृष्ण देख सकते हैं। तो मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती थी कि ठीक है ठाकुर जी जैसी आपकी इच्छा हो आप वो देख लो, बस मुझे सहने की शक्ति देना, और मैं उस तरह से आगे बढ़ती रही और हरिनाम अपना सब कुछ जो उससे जितना हरि गुरु वैष्णव की सेवा जो जितना जैसे करा सकती थी वो सब कराती रही हूँ। लेकिन कहीं एक मन में फिर वो जाते कि मेरा भजन तो बढ़ रहा है, मेरी उत्कंठा बढ़ रही है, लेकिन अब क्या बीच में जब लगा कि नहीं ठाकुर जी, क्योंकि जब वो तड़पती थी ना तो उसको तड़पता हुआ मैं देख नहीं पा रही थी, तो फिर अपने प्रारब्ध को लेके यहाँ पर, क्योंकि जो भी हमने शिक्षा जो भी कथाएं सुनी हैं जो कुछ भी हमने हरि गुरु वैष्णव के मुख से सुना है भागवत में जो भी सुना है, अब उनको हृदय में धारण करने की बारी थी कि अभी तक सुना देखा जो कुछ भी है तो उसमें कितना उतर पाए हैं या गुरु के वचनों को कितना समझ पाए हैं। गुरुदेव की एक वाणी में उसमें कोर्ट में लिखा हुआ था कि जब मुझे लग रहा था कि जब मैं गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव या तो इसको ले लो या तो इसको संभाल लो, लेकिन ये भी मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि जो जैसा हमने वो है प्रारब्ध है वो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। तो मुझे जब मैं इस तरह की प्रार्थना करती थी क्योंकि गुरुदेव हमेशा सुन लेते थे, तो यहाँ पर इन 6 महीनों में जो मैंने महसूस किया ऐसा लग रहा था कि जैसे हरि गुरु वैष्णव सुन ही नहीं रहे हैं, हालांकि सब आशीर्वाद दे रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा उस वक्त ये प्रतीत हो रहा था कि जैसे सब चीज़ें शून्य हो गई हैं, ना विश्वास वो हो पा रहा था कि हरि गुरु वैष्णव सुन भी रहे हैं। तो जैसे ही ये मेरे मन में एक मन के गुरुदेव आपने अपने कान बंद के लिए, ये ठाकुर जी से तो लग रहा था कि ये तो कहीं और बिजी हो गए हैं क्योंकि वो सुन ही नहीं रहे हैं। तो गुरुदेव की एक कोटेशन आ गई, तो गुरुदेव कह रहे थे कि जितनी तुम्हारी सांसें भी मैं तुम्हारे पास नहीं है ना उससे भी ज़्यादा मैं तुम्हारे क्लोज हूँ। तो गुरुदेव की वो कोटेशन पढ़ के मेरा हृदय बड़ा हो गया कि नहीं गुरुदेव तो मेरे साथ हैं, और मुझे वो ये हमारी परीक्षाएं चल रही हैं इस तरह से चलती रहेंगी। फिर इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ते रहा, लेकिन जब परिक्रमा आई, क्योंकि कभी भी नवदीप की परिक्रमा, क्योंकि पहले एक बार हाथ उठाकर सब बोलो हरे राम। हम कभी कभी भक्ति करते हुए जब जीवन में थोड़ी बहुत कष्ट आता है, ये कष्ट क्यों आता है, इसका क्या रहस्य है, कितना सुख में स्मरण सब करे दुख में करे ना कोई, जो सुख में जो स्मरण करे दुख काहे को आए। इसलिए माता कुंती को जो भगवान बोले मेरे पास में तू भर मांगो, तो कुंती मैया ने किया भर मांगे, बोले प्रभु मेरे झोले में दुख भर दो। भगवान कृष्ण बोले बुआ जी सारा दुनिया तो मेरे पास में सुख मांगते हैं, फिर ये दुख क्यों मांगते हो, तो फिर दुख क्यों मांगते हो। कुंती इसकी जवाब देती है, बोले प्रभु इसका प्रमाण देख लो, जब जब हम भटकते हुए
जंगल में जब जब आपको स्मरण किया तब तब आपने दर्शन दिया है, लेकिन जब मैं राजमाता बन गई हूँ और मेरी बच्चे राजा बन गए, देखो आप हमें छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन जब हम जंगल में रहते थे जब जब आपको स्मरण करते हैं तब तक आपका आए, लेकिन अभी राजा राजमाता बनते हम छोड़ कर जा रहे हो, ऐसे हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे नहीं चाहिए, हम क्या चाहते हैं हर समय आप हमारे पास में रहा करो। इसलिए भक्त लोग भगवान से सुख नहीं मांगते हैं, भगवान भक्त भगवान से दुख मांगते हैं। अभी प्रश्न होता है क्या जो भगवान की भजन करे उनको दुखी दुख दिया है, वही व्यक्ति सोचेगा ना जो भगवान की भजन करेगा क्या दुखी दुख आएगा, बोले ऐसे नहीं, इसका तात्पर्य ये नहीं भक्त ये चाहते हैं हम दुख दो, इसका तात्पर्य ये नहीं है, इसका तात्पर्य बता रहे जैसे तुम्हारी कोई पड़ोसी पड़ोसी को साथ में लड़ाई झगड़ा, पड़ोसी को साथ में तुम्हारी लड़ाई झगड़ा, लेकिन तुमने बच्चे को बोले देख बेटा भले ही तू जहर खा करके मरना तो मर जाना लेकिन ये पड़ोसी के घर में मत जाइए, क्या बेटे को बोलता है तू जहर पी, क्या बेटे को कहता है तू जहर खा कर मर जाए ना, क्या ये है पड़ोसी को पास में मत जा। इसलिए भक्त लोग जो भगवान से दुख मांगते हैं इसका मतलब नहीं कि भगवान की भक्ति करके दुख दुख आए, नहीं इसका मतलब नहीं, इसका मतलब है भक्त ये चाहता है जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन, तो भक्त का भावना ये है प्रभु हमें आप जिस अवस्था में रखना रख ले, लेकिन जैसे कभी तुमको मैं भूलू नहीं, हमें यही वरदान दिया करो। लेकिन कभी कभी जो भक्ति करते हैं कभी कभी थोड़ा दुख आ जाता है, वो कभी कभी दुखी हो जाता है, गलत कारण क्या, गलत कारण है इसका एक कारण शास्त्र ने बताया, भगवान कभी कभी देखते हैं एक जीवन में इसने जिसका पाप है ना हम ऐसे जीवन में उसको भोग करा ले, एक जीवन में सारे पाप को भोग कर ले, भोग कर इसका पाप को सारे खत्म कर दे, खत्म करे क्योंकि जब तक ये पाप कर्म करेगा संसार में आओगा, संसार में जन्म पर तो दुख कष्ट भोग करेगा, लेकिन अगर एक जीवन में सारे दुख अगर भोगा लिया तो इसको बाद में क्या करूँगा, इसको अपना धाम में ले आऊंगा, गोलोक वृंदावन में उसको मैं ले आऊंगा। इसलिए ठाकुर जी कभी कभी क्या करते एक जीवन में ही उसको सारे दुख कष्ट भोगा करके उसको कहाँ ले आते हैं, ठाकुर जी अपना चरण में ले आते हैं। तीसरा कारण बताए देखो हर चीज को आप प्रतिकूल रूप में नहीं लेनी चाहिए, हर चीज को अपना अनुकूल रूप में लिया करो, जीवन में जो कुछ आता है अपना अनुकूल रूप में लिया करो। जैसे हम कथा सुनाते हैं जैसे दो भाई थे, एक भाई का बड़ा नास्तिक एक बड़ा आस्तिक, आस्तिक नास्तिक समझते नहीं, एक भाई तो प्रभु को खूब माने और भी मानता नहीं, अभी जो नहीं मानता है जो मानता है ना उसको हर समय हंसी दिल की करे, बोले क्या दिन भर माला लग रही क्या होता है, बेकार बात है, दिन भर क्या ठाकुर के सामने बैठे रहते हैं बिना कराने के कोई काम धाम नहीं, दिन भर माला लग रहा है हरे कृष्ण ठाकुर के सामने बैठे रहते, ऐसे बेकार काम छोड़ दे। एक दिन दोनों का निमंत्रण आ गया, दोनों निमंत्रण में गए, जब जा रहे थे जो भाई भजन नहीं करता था उसको जो सोने की मोहर मिली है वो तो बड़ा खुश हो गया, मैं भक्ति नहीं करता हूँ सोने की मोहर मिल गया, उसको सुजोग मिला जो भजन करता था, बोले देख तेरे को क्या मिला, मैं तो भक्ति नहीं करता मेरे को सोने का मोहर तेरे को मिला क्या, देखा बात सही, थोड़ी दूर गए तो जो भजन करता था उसको तैयार में लोहे की सीख को लेकर खून बहने लग गया, बोले देख लिया तू इतना नाम करते हो भक्ति करते हो तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला, तो दुखी दुखी हो गया, उसने देखा बात सही है ये तो भजन करता नहीं इसको देखो सोने की मोहर और मैं करता हूँ मेरे को क्या मिला, बड़ा दुखी हो गया, दुखी होकर भगवान को पुकारा, बोले ठाकुर जी सबके सामने आप मेरे को बेइज्जती करते हो, इतने में आकाशवाणी हुई, बोले बेटा देख दे ये मत समझो दुख मिलता है और जो नहीं करते सुख मिलते, मेरे पूर्व जन्म की बात सुनो, ये जो व्यक्ति पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किया था आज का दिन उसको राज सिंहासन में बैठने का था, राज तिलक होने का था, लेकिन मेरे और मेरे भक्तों की चुगली करता है निंदा करता है इसलिए सारे पुण्य उसको खत्म कर दिया और सोने की एक मोहर देकर उसको छोड़ दिया। तेरी बात सुन ले तू पहले जन्म में मर्डर किया था आज का दिन राज दरबार में फांसी झूलने का था, लेकिन मेरे भजन करते हो तुम मेरे भक्ति करते हो इसलिए मेरे तेरे सारे पाप को मैंने खत्म करते गया,
खत्म करते थोड़ी सी बाकी रह गया था, इसलिए मेरे प्यार ने एक सीख गरबा करके मैंने छोड़ दिया, सीख गरबा करके छोड़ दिया। अगर भक्ति करने वालों को जीवन में अगर थोड़ी बहुत कष्ट आए तो उसको किस रूप में ग्रहण करो, जरूर हमारे ऐसे कुछ कर्म था जो ठाकुर जी इसको बहुत ज्यादा कोई सजा नहीं दे करके हमें ठाकुर जी थोड़ी सी दुख दे करके ठाकुर जी हमें छोड़ दिया। इसलिए पिता ब्रह्मा जी कहते हैं, ये ब्रह्मा जी का नहीं कहते, तत्व अनुपम पास माना भुंजान कृतम विपाद, जीवन में जो कुछ आता है हमने जैसे कर्म करते हैं कर्म का फल जीवन में भोगना पड़ता है, ब्रह्मा जी कहते हैं। इसलिए ये चीज को भोग करके हस्त हस्त भोग लो, लेकिन क्या करो, भगवान की भक्ति करते रहो, भजन करते रहो। अगर दुख आता मतलब क्या, आगे सुख आने वाले। आप बताओ, आप लोग ये बताओ, जीवन में पाप को नष्ट करना चाहते हो ना पुण्य को नष्ट करना चाहते हो? बोलो जोर से। तो कोई भी जगत में पुण्य नष्ट करना नहीं चाहता, दुनिया का तुम्हारे पाप नष्ट हो गया, लेकिन पाप नष्ट कैसे होता है, दुख देकर। पाप कैसे खत्म होता है, दुख देकर। मतलब है आगे हमारे आनंद सुख आने वाले हैं, हमारा दुख का जीवन इस जीवन में खत्म हो रहा है, आगे हमें आनंद मिलेगा। इसलिए सब दुनिया चाहते हैं हमारे पाप खत्म हो, दुनिया खत्म नहीं हो। इसलिए जीवन में अगर कहीं कुछ कष्ट आता है भक्ति करते हुए समझो ठाकुर जी थोड़ी सी बस सारे पाप उस जीवन में खत्म कर रहे हैं और संसार में हमें दोबारा आना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण खत्म करो। ये गुरु तत्व को ही बोलो, अपना संसार गुरु तत्व को बोलो। हरे कृष्ण, मैं महाराज जी से क्षमा चाहूंगी, ये सिर्फ इसलिए थोड़ा सा बीच में बोला था क्योंकि हरि गुरु वैष्णो अगर वो दृढ़ता ना दी होती तो आज मैं यहाँ पर भी नहीं खड़ी हो पाती। जैसे जो लास्ट के तो सिर्फ दो मिनट मैंने इसीलिए लिए हैं क्योंकि जो इस छः महीने का जो निचोड़ निकला था वो सिर्फ मैं बता रही थी, क्योंकि वो बिना हरि गुरु वैष्णो की कृपा और एक विश्वास, बहुत बड़े विश्वास से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। नवदीप की परिक्रमा में हमेशा जाती थी लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी, कारण आप लोगों को पता ही है। तो मैं हरि गुरु वैष्णव से ये प्रार्थना करती थी किसी भी तरह से गुरुदेव के चरणों तक मैं पहुंच जाऊं, नवदीप धाम में किसी तरह से चली जाऊं, तो सिर्फ जगन्नाथ रथ यात्रा टाइम पे ही जाया जा सकता था, लेकिन बीमारी इतनी थी कि जाने का कोई चांस नहीं था। तो मैंने महाप्रभु को पुकारा, नित्यानंद प्रभु को पुकारा, ये कह के कि आप तो महावदन्य हैं, आप तो पापों, मैं तो अपने प्रारब्ध भोग रही हूँ लेकिन आपकी कृपा ही वहाँ पे पहुँचा सकती है। गुरुदेव के चरणों में पुकारा कि गुरुदेव सिर्फ एक बार मुझे वहाँ तक पहुँचा दो, मैं वहाँ की नवदीप धाम की जो रज है वो सिर्फ मेरे माथे लग जाए और मैं वापस आ जाऊँगी, सिर्फ आप इतनी कृपा कर दो। जो छः मतलब जहाँ मुझे लग रहा था कुछ नहीं सुन रहे थे, और इस तरह से मैं नित्यानंद प्रभु अपने हरि गुरु वैष्णव के प्रति समर्पित होकर रोते रोते उनको बहुत पुकारा, तब ठाकुर जी ने कृपा की, उनसे मैंने प्रार्थना की कि सिर्फ 10-15 दिन के लिए मेरी बेटी का जो बुखार कम हो जाए और मैं यहाँ से निकल पाऊँ। तो हरि गुरु वैष्णव ने मुझ पर कृपा की और वो 15 दिन ठाकुर जी ने उसको ठीक रखा और मैं जाके नवदीप धाम से होकर आ पाई। तो बस यहाँ पर सिर्फ यही एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती कि हरि गुरु वैष्णव के चरणों में जितना समर्पित होकर हम भजन करेंगे, उनके वचनों को धारण करेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जैसे महाराज जी ने बताया ये सारे कष्ट हमारे अपने प्रारब्ध हैं, अपनी ही सब चीज़ें हैं, तो जब तक हरि गुरु वैष्णव की कृपा ना हो तो वो दृढ़ता भी नहीं आती, दृढ़ता भी उन्हीं की कृपा से आती है। जहाँ मुझे लग रहा था सुन ही नहीं रहे हैं, लेकिन महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने कृपा करके नवदीप धाम पे जो एक रजकट लगा दिया, जाके मैंने मठ में जाके अपना मत्था जैसे टेका वहाँ पे, तो ऐसा लग रहा था जैसे महाप्रभु और हरि गुरु वैष्णव की कृपा बरस पड़ी वहाँ पे। मैं 7-8 दिन रही लेकिन उस टाइम पे सारा सब चीज़ें भूल गई थी और हरि गुरु वैष्णव की सिर्फ कृपा के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो बस यही इन्हीं शब्दों को लेकर मैं यहाँ पे करी कि वो दुख भी हमें प्रिय है जो हमें अपने राधा गोविंद के हरि गुरु वैष्णव के करीब लेके जाता है। इसीलिए मैंने वो हाथ खड़ा किया था कि जो इस दुख में जो मैंने हरि गुरु वैष्णव की कृपा को जो महसूस किया है कि ये भी दुख भी बहुत बड़ी कृपा होती है, लेकिन सामने में देखने में और उसको सहने में थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता होती है। तो हमें और अधिक समय ना लेकर हरि गुरु वैष्णव के चरणों में समर्पित होकर बस ये बोलूंगी कि गुरुदेव ने जो भी बनाया वो हमेशा ही बना रहे। हरे कृष्ण। एक मिनट का कीर्तन कर लो, हाथ मिला।
और ज्यादा समय नहीं लेगी, प्रसाद तैयारी हो गया, भूख लग रहा है ना। हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति ठाकुर का नाम लेता है, नाम लेने का साथ साथ उसको तीन काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है? तीन काम। बोलो जोर से, तीन काम। क्या तीन काम हो जाता है? ध्यान देकर सुनो, याद रखना, दूसरों को भी सुना सुनाना। कहते हैं श्री जमपुरी में श्री यम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं। बोले चित्रगुप्त कौन है? हमारे जीवन का लेखा जोखा को जो लिखते रहते हैं। चित्रगुप्त मतलब गुप्त मतलब होता है छुपा करके, चित्र मतलब फटो। हम जो कुछ करते हैं वो अपने आप सब फटो खींच रहा है। अब मरने के बाद सारे जब खुलेंगे सब पता चलेगा आपने क्या क्या कर्म किया। लेकिन देखो भगवान के नाम में कितने शक्ति। देखो श्री यम महाराज चित्रगुप्त को बोलते हैं आप रजिस्टर ले आओ, मतलब किस लिए? बोले इसका नाम को यहाँ से काट दो, इसके नाम को यहाँ से काट दो। बोले क्यों काटेंगे? बोले ठाकुर का नाम ले रहा है ना, ठाकुर जी का नाम जप कर रहा है ना, उसको कभी और जमपुरी में कभी आना नहीं पड़ेगा। भगवान के नाम में इतने शक्ति। पहला काम हो गया, याद रखना, फिर पूछूंगा क्या बोला। दूसरा काम किया, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती हैं सखी रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले इसका नाम को चढ़ा दी, इसका नाम को लिख दे। बोले इसलिए लोग ठाकुर का नाम जप कर रहा है ना, अभी ये सीधा मेरे गोलोक वृंदावन में मेरी सखी बन करके गोलोक वृंदावन में आई, इसलिए इसका नाम को यहाँ पर लिख दे। बोले तीसरा काम किया, बोले ब्रह्म लोकों में ब्रह्मा जी जब जीव संसार से मुक्त होने का बाद भूर भूव मोह जन तप सत्य सत्य लोग जहाँ पर विद्यमान ब्रह्मा जी रहते हैं, जब कोई व्यक्ति ठाकुर का नाम जप करना शुरू करता है कहते वो अपना आरती का थाला सजाना शुरू कर देते। बोले किस लिए? बोले जब वो भूर भूव मोह जन तप सत्य लोग को पार करते हुए जब गोलोक वृंदावन जाएगा उसका रास्ता में हम आरती उतारेंगे, उसका मैं आरती उतारूंगा। अगर भगवान के नाम लेने का साथ साथ हमारी ये तीन काम हो जाता है, किसको याद होगा? किसको याद हो गया? बोलो हाथ उठाओ तो। किसको याद हो गया नाम करने से तीन काम हो जाता है? इतना जल्दी भूल गए कोई नहीं बोल सकते हो। बोलो तो कौन बोलेगा तीन काम क्या होगा? अरे बोलो जोर से, भगवान इतनी जल्दी मेरे दूसरों को कैसे सुनाओगे? हैं? इसलिए भगवान के नाम सबके सब मेरे पीछे पीछे प्रभु का नाम जप करो, क्योंकि प्रभु का नाम लेने का बाद संसार में हमें आना नहीं पड़ेगा। लेकिन भगवान कपिल देव अपना माँ को क्या कहते हैं? बोले माँ जो व्यक्ति मेरे नाम लेते हैं कौन मेरे नाम को ले सकता है? कहते पूर्व जन्म में जिसने चार काम करके आया। कितना काम करके आया? अभी मैं बोलूँगा बाद में फिर सुनूंगा, पहला नंबर तो फेल हो गए बोल नहीं पाए। ये भगवान कपिल देव माँ को कहते हैं बोले अहो बद सपोच तो गरियान जत जिहाग्र वर्तते नाम तो भयम। जिसके जिहा की अग्रदेश में मेरे नाम जो उच्चारण करते क्या समझो, पूर्व जन्म में पृथ्वी में जितने तीर्थ सारे तीर्थ कर चुका है, जितने बड़े बड़े यज्ञ पूर्व जन्म में कर चुका है, जितने तपस्या कर चुका है और जितने दान पुण्य सबके सब पूर्व जन्म में वो कर चुका है, तभी इसी जीवन में मेरे नाम को कोई ग्रहण करता है। लेकिन कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? कहते जने पूर्व सत जन्म वासुदेव समर्चनम। बोले जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने हे अर्जुन मेरी जिसने पूजा सेवा की इसी जीवन में वही व्यक्ति मेरे नाम को ले सकता है। मतलब भगवान नाम लेने का कितने महत्व। इसलिए आज व्यास पूजा है, हम व्यास जी के चरण में इतने ऋणी क्यों कारण किया? इसलिए उन्होंने भागवत ग्रंथ लिखे और जिस भागवत ग्रंथ में विशेष करके उन्हें नाम की महिमा को उन्होंने गाई। इसलिए भागवत जब शुरुआत हुई है शुरुआत में ही प्रभु का नाम की महिमा गाई, और जब भागवत जब विश्राम लिया ना वो ठाकुर का नाम से ही विश्राम ले रहा है। इसका मतलब है भागवत का जो सार है ठाकुर जी की नाम है।
इसका मतलब जीवन में जो ठाकुर का नाम जप कर लिया ना, समझो सारे वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत उसने सब कुछ पढ़ लिया, आजीवन में उसका सारे काम हो गया जो प्रभु का नाम को जप कर लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए सबके सब क्या करना, ठाकुर जी के नाम को जप करना है। एक मिनट कीर्तन कर देते हैं, तो माइक दे दे, उसको माइक दे दे। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, माता जी ने जाना है, बुला दूं क्या, देना चाहिए बाद में। यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच विराजे श्री व्यास देव से अभिनंदन, श्री भक्ति विराट श्रीधर महाराज जी के चरणों में नंद गोपी साष्टांग प्रणाम। समस्त वैष्णवगण मातृवृंद श्रोतृवृंद हरिकथा श्रवण करने वाले, इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर सभी भक्तों को, सभी भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। समय की सीमा है और गुरु तत्व को कुछ शब्दों में कहना यह वास्तविक रूप में असंभव है। गुरुपाद पद्म कौन है, पहले इस पे सिर्फ एक दो मिनट विचार करके, और गुरु जी से संबंधित जैसे देखो गुण तो हैं, लेकिन गुण जब तक मूर्तिमान स्वरूप नहीं लेता है। जैसे एक व्यक्ति बड़ा क्रोधी है तो क्रोध का मूर्तिमान स्वरूप वह व्यक्ति हो जाता है कि देखो उसको देख करके पता चलता है कि क्रोध किस प्रकार से होता है। उसी ही प्रकार से श्री गुरु के अनंत गुण हैं, उसमें से एक गुण है कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सत्व उपकार का निष्प्रिय सर्वता सिद्ध। गुरु का एक गुण है वह कृपा सिंधु है। अब इस कृपा सिंधु पे हम लोग विचार करेंगे। आज हम गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष में यहाँ पर उपस्थित हुए, इसमें हमारा क्या रहा पुरुषार्थ, कुछ भी नहीं। क्या हम गुरु के पास गए या गुरु हमारे पास आए, बताइए। गुरु हमारे पास आए। तो श्रील व्यास देव की जीवन में भी आप देखिए, जब व्यास देव ने कहा कि सर्वात्म एकान अपि ना अतुष्येत हृदयम ततः, मैं प्रसन्न नहीं हूं, है मैं प्रसन्न नहीं हूं, और मेरी अप्रसन्नता को जान करके बिना निमंत्रण के श्री नारद ऋषि अपने आप आए, बिना निमंत्रण के श्री नारद ऋषि अपने आप वहां पर आए। उसी ही प्रकार से ही
भगवान व्यास कृपण वत्सला। भगवान व्यासदेव कौन है? भगवान है। और व्यासदेव का एक गुण बताया श्रीमद् भागवतम में, कृपण वत्सला। कृपण कहने से बहुत कंजूस, हम लोग बड़े कंजूस हैं। बोले कैसे? श्री भगवान ने हमें यह मनुष्य शरीर दिया, इसका हम सही सही रूप से उपयोग नहीं कर रहे थे, तो हमारे इस कृपण स्वभाव को देख करके श्री गुरु हमारे जीवन में आए और हमें इस मनुष्य जीवन का सही सही उपयोग करने का मार्ग जो है हमें बताया। तो व्यासदेव ने भी इसी प्रकार से अनेकानेक उन्होंने जितने भी वेद वेदांत हैं उन सबको लिखा, और लिखने के पश्चात भी जब वो अतृप्त हुए तब श्री नारद ऋषि का वहाँ पर जब आगमन हुआ है तो नारद ऋषि ने उन्होंने उनको एक बात कही। व्यासदेव ने कहा कि मैं अप्रसन्न क्यों हूँ मुझे नहीं पता, मैं क्यों अप्रसन्न हूँ, हम लोग क्यों दुखी हैं हमें पता नहीं, हमारे चित्त में ऐसा कौन सा अभाव है जो हमें अप्रसन्न रखता, हमें पता नहीं है। तो जब हरिनाम रूपी अमृत प्राप्त होता है तब वो अभाव स्वाभाविक रूप से दूर हो जाता है, स्वाभाविक रूप से दूर हो जाता है। तो व्यासदेव के निकट आकर के श्री नारद जी ने अनेकानेक वचन कहे और एक बात कही, प्रादेश मात्र भाव प्रदर्शितम, मैं आपको केवल इंगित कर रहा हूँ। जैसे श्री गुरु ने क्या कहा कि आप नाम कीजिए, नाम के प्रभाव से आपको सारे के सारे तत्व स्वतः पता चलेंगे, सारी बात नहीं कही यहाँ पर नारद जी ने, इतना कह दिया आप नाम कीजिए। और हमारे गुरुपाद पद्म कहते थे अगर सही सही रूप से नाम का अनुशीलन किया जाए, सद आचरण युक्त होकर के अगर नाम का अनुशीलन किया जाए तो शीघ्राति शीघ्रतम ही जो है वह श्री कृष्ण का अनुभव अवश्य प्राप्त होगा। अब इसी व्यास पूजा के दिवस पर हमारे गुरुदेव ने एक बात कही, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। गुरुपाद पद्म कहते हैं कि आज व्यास पूर्णिमा है, आज श्रील व्यास देव का आविर्भाव दिवस है। आज के दिन हम अपनी पूरी की पूरी गुरु परंपरा की पूजा करते हैं, नेत्रों से इस समय ये दिख रहा है कि महाराज जी आसन पर बैठ करके पूजा क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारे नेत्र, हमारे नेत्रों का दोष है यह, महाराज जी आसन पर बैठ करके पूजा ग्रहण नहीं कर रहे, वह संपूर्ण गुरु परंपरा की पूजा कर रहे हैं। हमें दिख रहा है कि हम उनको थोड़ा धन दे रहे हैं, थोड़े फल दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन व्यास आसन पर बैठ करके वह संपूर्ण गुरु परंपरा की पूजा कर रहे हैं। यही मूलतः विचार है, वो स्वयं अपने गुरुपाद पद्म की पूरी परंपरा की वहां पर वो जो है पूजा कर रहे हैं। तो सूक्ष्मदर्शी लोग होंगे वह देखेंगे, और स्थूलदर्शी होंगे तो क्या बोलेंगे, अरे महाराज जी बड़े आसन पर बैठ करके बड़ा पूजा सम्मान ले रहे हैं, या ये देखने की बात है। तो गुरुदेव कहते थे कि व्यास पूजा के दिन पर बहुत से लोग आएंगे मेरे निकट, कुछ फूल लेकर के आएंगे, फल लेकर के आएंगे, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने मुझसे हरिनाम तो लिया, दीक्षा तो ली, लेकिन वह मेरे निकट नहीं आएंगे। तो आज वह लोग जो मेरे निकट आकर के मुझको पूजा अर्पण कर रहे हैं मेरा, उनकी तो व्यास पूजा मैं स्वीकारता हूँ, और जो मेरे निकट नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने अपने हृदय से गुरु का त्याग भी कर दिया है, ऐसों की व्यास पूजा भी मैं स्वीकारता हूँ, ऐसों की व्यास पूजा भी मैं स्वीकारता हूँ। हमारे गुरुदेव के जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो गुरुवर्ग हैं वो हम तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास करते हैं। तब निजन कौन महाजने, अरे मैं तो इस संसार के कारागार में बंदी था, श्री गुरु मेरे पास आए। 2010 की घटना है, श्री श्री नवदीप धाम की। हमारे गुरुपाद पद्म, हरे कृष्णा, थोड़ी देर बाद में सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था, सिर्फ दो मिनट, बढ़िया मिठाई बने, शाही पनीर, बटर पनीर, मिठाई, बढ़िया सब्जी, बहुत अच्छे प्रसाद सबके लिए। हमारी गली के भक्त लोगों ने बहुत बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था किया, थोड़ी समय रुक जाओगे सबके सब प्रसाद लेके दिया। ठीक, देखो ऐसा लोग भी देना पड़ता है, वरना सब भाग जाएंगे। अब गुरु क्या करे,
नाम भी दे कथा भी दे बुलाए भी सही, नहीं माने तो क्या बोले? बोले शाही पनीर खा जाओ, क्या करे? हमारी हालत ऐसी है, अंदर सोच रहे हैं ये कब बंद हो ये सब, बड़ी गर्मी लग रही है, फटाफट बाहर जाएं, हैं? लेकिन अब शाही पनीर का देखो श्री कृष्ण दर्शन तो नहीं हुआ आपको, लेकिन मन में शाही पनीर का दर्शन हो रहा है। उसकी ग्रेवी कैसी बनी ये सब सोच रहे हैं सारे के सारे। अब कभी थोड़ा हास्य भी होना चाहिए, वरना भी नींद आ जाएगी। तो हमारे गुरु जी का एक गुण रहा कृपा सिंधु। 2010 की नवद्वीप की घटना, गुरु जी को बाह्य रूप से यूरिन इन्फेक्शन हो गया। और आप सब जानते हैं जब यूरिन इन्फेक्शन होता है तो शरीर जो है बिल्कुल जर्जर हो जाता है, शरीर में बड़ी अक्लांत पीड़ा होती है, बड़ा असहनीय वह होता है। अब गुरु जी तो नित्य सिद्ध हैं, लेकिन यह दिखाने के लिए कि वह जीव जो उनके निकट आना चाहते हैं उनको वह किसी भी कीमत पर अपने आगे से जाने नहीं देना चाहते। उनके सेवक हैं श्रीपद भक्तिमदान माधव महाराज जी, उन्होंने कहा कि आज आप नहीं जाएंगे, आज आप अंदर ही विश्राम करेंगे, क्योंकि बाहर जाकर के इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ सकते हैं। तो गुरु जी ने कहा नहीं, थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए। अब देखो ऐसा सेव में सेवक भाव होता है, इन साधुओं का अपने गुरु से किस प्रकार का संबंध है हम लोग नहीं समझ सकते। ये तो वही हैं जिन्होंने गुरु को आत्मसात करके अपनी ममता से अपने प्रेम से वशीभूत कर लिया है। जैसे श्री कृष्ण पर तत्व होकर के भी क्या करते हैं, तस्य कदार स्निदेव शुभानुजायास तत्केलि कुंज भवनांगन वाजनी श्याम। हे मंजरियों, हे ब्रज देवियों, हमें आप कुंज में प्रवेश करने दीजिए, ऐसी ममता ऐसा अनन्यत्व वहां पर प्रकट हो जाता है। तो गुरु जी ने कहा हमने जाना है। तो गुरु जी ने उन्होंने कहा नहीं, देखो सेवक अपना कर्तव्य निभा रहा है, आप नहीं जाएंगे, और श्री गुरु के हृदय में अपना कर्तव्य है। तो गुरु जी ने थोड़ा ऐसा कह दिया कि नहीं हम जाएंगे, अब ऐसा कह दे तो नहीं रोक सकते। गुरु जी आए और गुरु जी ने बोला कि मैंने ऐसा क्यों कहा? बोले देखो सैकड़ों लोग बाहर बैठे हैं मुझसे हरिनाम लेने के लिए, बड़े ही सौभाग्य से कोटि, अभी महाराज जी ने कहा ना तेकु तपस्ते के कोटि कोटि जन्म की तपस्या कर ली, जुवह सस्तवार रहा, कोटि कोटि नदियों में स्नान कर लिया, कोटि कोटि यज्ञ करने के पश्चात ये आपके मुख से जो कृष्ण नाम निकल रहा है कोई साधारण नहीं। ये मान करके चलिए कि पूर्व जन्मों में, ये तो वेदांत की व्याख्या है पूरी की पूरी, अथो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ माने इसके उपरांत और अतो माने इस कारण से, माने पूर्व जन्मों में हमने अनेक प्रकार के यज्ञ किए, अनेक प्रकार के काम्य कर्म किए, सब तपस्याएं कर ली, सब यज्ञ कर लिए, उसके पश्चात जा करके आज हम यहाँ बैठे। आज जो आपके मुख से श्री कृष्ण नाम उदय हो रहा है इसमें आपका कर्तृत्व नहीं है, भगवान ही स्वयं, हमारे एक आचार्य हैं श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, वो कहते हैं कि जीव में ये भाव होता है कि मैं गुरु के पास गया, मैं जो था मैंने गुरु का नाम सुना और मेरे को कोई ले गया, लेकिन वह यह नहीं जानता कि श्री भगवान ने ही अपना विस्तार करके भक्तों को उसके पास भेजा था। श्री भगवान ने अपना विस्तार किया था तब आए थे, तभी भगवान नाम रूप में विस्तार करते हैं, विग्रह रूप में विस्तार करते हैं, वैष्णव रूप में विस्तार करते हैं, श्री गुरु रूप में विस्तार करते हैं। तो गुरु जी ने कहा ये सब लोग, ये बात कहकर के शेष करूंगा, मैं जानता हूं मन की दिशा कहीं और जा रही है अभी, तो ये बात कहकर के शेष करूंगा कि गुरु जी कह रहे देखो ये कोटि कोटि लोग आज नवद्वीप धाम में श्रीमद महाप्रभु के जन्म दिवस पर उपस्थित हुए। पहले तो धाम जाना किसी के सामर्थ्य की बात नहीं, जैसे भी दीदी कह रही थी बिना भगवत वैष्णव कृपा के धाम के विषय में सोचना भी संभव नहीं। जितनी भी भक्ति की सत्य क्रियाएं हो रही है ना उसके पीछे केवल एक ही व्यक्ति को श्रेय जाता है और वो कौन है? श्री गुरु। हमारे मन में अगर कृष्ण का क्री बोलने की भी इच्छा हो रही है, हमारे जिह्वा पर अगर क्री का कृष्ण बोलने की भी इच्छा हो रही है, तो ये याद रखना कि ये श्री गुरु की कृपा से हो रहा है, ये हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो आज गुरुदेव को वास्तविक रूप में समझेंगे हम लोग उन्हें प्राकृत व्यक्ति नहीं समझे, ना मृत्य बुद्धि असूया, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है हमारी तरह, अच्छा वो हमारे सामने बैठ करके पूजा ग्रहण कर रहे हैं, कुछ भोजन करेंगे, हंसेंगे, हमें लगेगा हमारी तरह, लेकिन हमारे में उनमें बहुत भेद है। तो गुरु जी बोले ये सब लोग इतनी श्रीमद महाप्रभु की कृपा से नवद्वीप धाम में आए
और दूसरी बात क्या हुई, इनके हृदय में आज ही के दिन हरि नाम लेने की इच्छा उदय हुई। देखो हमारा स्वभाव कैसा है, अभी हरि नाम लेने की इच्छा हुई, थोड़ी देर बाद विषय वस्तु का संपर्क हुआ, हमने कहा हम नहीं लेंगे। तो गुरुजी ने कहा ये सैकड़ों लोग जो हरि नाम लेने के लिए आज आए हैं, अगर इनमें से किसी की मृत्यु हो जाए, अगर इनमें से किसी की मृत्यु हो जाए, मैं बाहर ना जाऊं, उनको दीक्षित ना करूं, और उसी के बीच में ये बिना हरि नाम लिए यहां से चले गए, रास्ते में, मार्ग में, घर में अगर इसकी मृत्यु हो जाए तो कितनी बड़ी हानि होगी। चाहे मैं कष्ट में हूं, चाहे मैं कष्ट में हूं, लेकिन फिर भी मैं जाकर के बैठूंगा। और गुरुदेव 6 घंटा बैठे रहे उस इन्फेक्शन की परिस्थिति में, जल पी कर करके, ऐसी उनकी कृपा। एक घटना छोटी सी सिर्फ कह करके, हमारे अन्य आचार्य हैं श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, वह एक दिन, उनका एक स्वभाव था, वो क्या करते, जब भी वह अपना प्रसाद ग्रहण करते तो जो थोड़ा उच्छिष्ट बच जाता ना, उसको ले लेते अपने हाथ में चावल को, और चावल को लेकर के बाथरूम में जाते। अब सेवक लोगों को तो पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, भाई चावल लेकर के आप बाथरूम में क्यों जा रहे हैं, अपने हाथ में क्या कारण है। तो वो चावल को ले लेते और चावल को लेकर के रख देते। उनके एक सेवक से पूछा किसी ने कि ये महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं, ये चावल को लेकर के बाथरूम में क्यों ले जाते, किसको देते हैं वहां पर। तो उन्होंने कहा कि हमें भी पता नहीं, हम भी पूछेंगे। तो एक दिन जब उन्होंने चावल रखे, उनके सेवक ने कहा गुरुजी मैं स्थान को साफ कर दूं, मैं स्थान को साफ कर दूं। बोले नहीं, नहीं करना। बोले वो आएगा, वो आएंगे। बोले वहां कौन आएगा, बाथरूम में कौन खाने आएगा। तब उन्होंने क्या देखा, छोटी छोटी चींटियां उछल चल करके आई और उस महापुरुष के उच्चिष्ट को ग्रहण किया। बोले तब हमें समझ में आया कि ऐसी छोटी सी क्रिया के अंदर भी उनके हृदय में संसार के जीवों के प्रति कितनी कृपा है। तभी उनको कृपा अम्बुदि अयम सनातनम तम प्रभु आश्रयामि, वो संसार समुद्र से हमको बचाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। तो यह एक दो बातें कहने को तो अनंत बातें हैं, समय भी हो चला है, महाराज जी ने कुछ कहने का कहा, तो मैं कहा गुरुदेव के विचारों को थोड़ा आपके सामने कह दिया जाए। आज श्रील व्यास देव के निकट गुरु जी के माध्यम से यही प्रार्थना है कि हम इस जीवन में सदशिष्य बनने का प्रयास करें, क्योंकि हम सदशिष्य बन जाएंगे तो श्री कृष्ण दर्शन, श्री कृष्ण सेवा इत्यादि हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की। अज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम परमारिदतम गुरुपाद पद्म के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्ग नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपादष्टो दर्शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपादष्टो दर्शत श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरे यथायोग्य प्रणाम। देखो श्रोताओं के मुख देखकर पता लग ही रहा है कि सब विरक्त हो रहे हैं, सिर्फ गुरु आज्ञा पालन करने के उद्देश्य से 2-5 मिनट बोल दूंगा। हम लोगों ने श्री व्यासदेव जी के विषय में, श्री गुरु तत्व के विषय में बहुत कुछ श्रवण किया। इसी के साथ साथ आज हमारे संप्रदाय के अंतर्गत श्री सनातन गोस्वामी पाद, उनकी भी शुभ तिरुभाव तिथि है। आज इस तिथि को मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद जब ब्रज में रहते थे तो सभी ब्रजवासियों से इनका बड़ा स्नेह था। आज के दिन जब उन्होंने अपना ये कलेवर छोड़ा तो उनको शोक व्यक्त करने के लिए सभी ब्रजवासियों ने उस दिन मुंडन किया, तो इसलिए आज स्थिति को मुड़िया पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। हमने गुरु तत्व के विषय में श्रवण किया, कुछ शिष्य का कर्तव्य क्या होता है, शिष्य के विषय में शास्त्रों में क्या बतलाया गया है, उसको मैं आपके सामने थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो साधारणतः लोग शिष्य का जब वर्णन आता है तो साधारणतः लोग किसका नाम सुनते हैं, एकलव्य का। किस प्रकार एकलव्य ने अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए, गुरुदेव ने जब कहा कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी, तो उन्होंने क्या किया, अपना अंगूठा निकाल कर भी दे दिया।
तो इसलिए लोग एकलव्य को बड़ा महान शिष्य मानते हैं। लेकिन यह चीज़ जाननी पड़ेगी कि गुरुदेव का सद्य शिष्य कौन है। श्रीमन हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद के लिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदांतिकम, कि श्रीमन महाप्रभु जो कि उनके गुरुदेव है, श्रीमन महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानते हुए उन्होंने जिस प्रकार की सेवा करी है, इसलिए क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ शिष्य है, वो सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। तो इसलिए बताया है कि एकलव्य उन्होंने क्या किया था, उनको गुरुजी ने धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया। मना करने पर एकलव्य ने क्या किया, गुरुदेव की एक मूर्ति बनाई, उस मूर्ति से ही सारी धनुर्विद्या सीखी। सीखने के बाद में कभी जब गुरुदेव जंगल से जा रहे थे, कोई कुत्ता उन पर भौंकने लगा तो उसको देखकर इन्होंने शब्द भेदी विद्या जानते थे। इन्होंने ऐसा तीर मारा कि उस कुत्ते का मुंह एकदम बंद हो गया और वो भौंकना बंद कर दिया। जब इनके गुरुदेव ने देखा कि इतना निपुण धनुर्विद्या में कौन है, तो जाकर इन्होंने पूछा, तब एकलव्य ने उनको प्रणाम किया। आप सब जानते हैं किस प्रकार फिर गुरुदेव ने कहा कि आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, उन्होंने अपना अंगूठा काट के दे दिया। यद्यपि इनको पूरी धनुर्विद्या से में पारंगत हो गए थे, जो शिक्षा इनको प्राप्त होनी चाहिए थी गुरुदेव से वो उनको प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी इनके इनसे गुरुदेव असंतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि ये उस धनुर्विद्या का उपयोग किसी गलत कार्य में करते, परवर्ती काल में ये पांडवों के विरुद्ध हो जाएंगे, इसको जानते हुए उन्होंने धनुर्विद्या नहीं सिखाना चाहते थे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर गुरुदेव इन पर असंतुष्ट थे, तो सारी धनुर्विद्या इनको प्राप्त होने पर भी ये शिष्य नहीं हुए। और उदाहरण आता है किस प्रकार, भीष्म पितामह जब गए परशुराम जी के पास में, वो भी जब स्वयंवर में अंबिका अम्बालिका इन सबको लेकर आए थे, तो उस समय पर इन्होंने शादी करवा दी अंबिका और अम्बालिका की, तो लेकिन जिस एक का शादी नहीं करवाया था, उन्होंने कहा गुरुदेव से, परशुराम जी से, कि आप अपने शिष्य को कहिए मुझसे विवाह कर ले। शिष्य ने बतलाया कि मैं विवाह नहीं करूँगा, भीष्म पितामह की देवव्रत, इनकी भीष्म प्रतिज्ञा थी कि मैं विवाह के अतिरिक्त कुछ नहीं करूँगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने गुरुदेव से ही युद्ध करना आरंभ कर दिया, कि गुरुदेव ने कहा कि या तो तुम इससे विवाह करो या हमसे युद्ध करो। तो उन्होंने युद्ध करना, अपनी प्रतिज्ञा को, अर्थात जो शिष्य के संकल्प अपनी खुद की इच्छाएं हैं, उनको गुरु आज्ञा से ऊपर रखना, गुरुदेव की आज्ञा को, गुरुदेव के प्रति मर्त्य बुद्धि रखना। अभी हम श्रवण कर रहे थे ना, आचार्य माम विजानियात, भगवान स्वयं कहते हैं कि गुरु को मेरा ही प्रतीक समझो, गुरुदेव में मर्त्य बुद्धि मत रखो। गुरुदेव में मर्त्य बुद्धि का क्या लक्षण है, गुरुदेव जो भी आदेश देंगे उसको हम पालन नहीं करेंगे, पालन करने में उत्कंठा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, गुरुदेव के प्रति मर्त्य बुद्धि है। तो भीष्म पितामह ने क्या किया, उन्होंने गुरुदेव के साथ में युद्ध भी कर दिया, बाद में किस प्रकार ब्रह्मा जी ने आकर उनको शांत किया। तो यहाँ पर भी देखा जाता है कि ये भी एक सद्शिष्य नहीं हुए, यद्यपि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कर ली, फिर भी वे सद्शिष्य नहीं हुए। उसके बाद में बताते हैं शास्त्रों में आरुणी और उदालक। आरुणी उपमन्यु जो था, कभी गुरु आदेश पालन करने के लिए गुरुदेव ने उनको कहा कि बारिश हो रही है, तुम जाके क्या करो, खेत में मेड़ है, मेड़ लगी हुई है, तो वहाँ पे जाके मेड़ ठीक से लगा दो ताकि पानी बहके ना जाए, पानी खेत में रुक जाए। तो उन्होंने बड़ी चेष्टा करी, बड़ी जोर से बारिश हो रही थी, उन्होंने मिट्टी लगा रहे थे लेकिन मेड़ रुक नहीं रही थी। बाद में उन्होंने क्या किया, सर्दी के मौसम में स्वयं वहाँ पर लेट गए, खुद इस तरह से लेट गए ताकि पानी बहके ना जाए, पानी सारा खेत के अंदर रुक जाए। तो जब गुरुजी ने ये चीज़ देखी कि मेरी सेवा करने के उद्देश्य से आरुणी ने क्या किया, स्वयं ही वहाँ पर लेटा हुआ है, गुरुदेव ने आके देखा कि ठिठुर रहा है ठंड के अंदर, कांप रहा है, लेकिन फिर भी मेरी सेवा करने के उद्देश्य से वहीं पर बैठा है। तो यह देखकर गुरुदेव बड़े प्रसन्न हो गए और उनके हृदय में सारे वेद पुराण इत्यादि जो सारे ज्ञान थे वो आरुणी के हृदय में भी प्रकाशित हो गया। तो यहाँ पर बताया, ये भी एक तरह के शिष्य हैं जिन्होंने गुरु सेवा करने के उद्देश्य से अपने प्राण को भी दाव पर लगा दिया। यद्यपि देखा जाता है एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपने प्राण को भी सौंप दिया। तब यहाँ पर बता रहे हैं इससे भी सर्वश्रेष्ठ एक कोटि है गुरुदेव की, इस प्रकार की सेवा आरुणी उपमन्यु उदालक इन्होंने करी है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ कोटि किसकी है, वहां पर उदाहरण आता है श्री शबरी का। किस प्रकार शबरी ने अपने गुरुदेव, देख उनके गुरुदेव कौन थे, मतंग मुनि। जब मतंग मुनि ने उनसे कहा कि बेटी तुम इसी आश्रम में रहना, परवर्ती काल में भगवान राम आएंगे और तुम्हें स्वयं भगवान का यहाँ दर्शन होगा, गुरुदेव इतना चाह रहे हैं, ये आज जो अनुष्ठान हुआ है साधारण रूप में
गुरुदेव को माला अर्पण कर देना, उनको चंदन तिलक लगा देना, प्रणाम ही कुछ दे देना, ये भी एक तरह का अनुष्ठान है, ये भी एक तरह की व्यास पूजा है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ व्यास पूजा वही होगी कि हम उनके आदेश का पालन करते हुए वे जो हमसे चाहते हैं हम अपना भजन ठीक से करें, हरिनाम, करकंठी, तिलक, बार बार गुरुदेव की हरिकथा में यही हम श्रवण करते हैं। यदि हम इस तरह से अपनी व्यास पूजा पालन करेंगे तो हम सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनेंगे। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु प्रजा नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भजन हिंदी कौन से कहूँ हरी बोल हरे कृष्ण। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन हरि के भजन।